वेल सो गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड गुड आफ्टरनून गुड इवनिंग अगर कोई आफ्टरनून में और इवनिंग में देखेगा तो ठीक है चलिए दोस्तों तो शुरुआत करते हैं आज का चार्ट रिवीजन आई होप आप चार्ट पढ़ रहे होंगे साथ साथ में क्वेश्चन है उसके क्वेश्चन भी देख रहे होंगे वो जरूर देखो आपको बहुत हेल्प होगा ठीक है सो so, चलिए शुरुआत करते हैं हमारा आज के सेशन का सबसे पहले दो मिनट में मैं एक बार रिव्यू कर देता हूं चार्ट जो हमने सप्लाई का देखा था और उसके बाद में उसके बाद में यहां पे हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे देखिए बेटा चलिए यहाँ पे सप्लाई uh, का कॉन्सेप्ट हम डिस्कस कर रहे थे और सप्लाई का कॉन्सेप्ट मैं आपको ये बता दूं कि सप्लाई के कॉन्सेप्ट में यहाँ जहां तक देखा जाए व्हाट सप्लाई इंक्लूड्स एंड व्हाट सप्लाई एक्सक्लूड सप्लाई इंक्लूड्स यहाँ पे कंसिडरेशन एंड विदाउट कंसिडरेशन ठीक है ये सारी बातें तो ये आपको पता है पहली बात एक थॉट दिमाग में क्लियर रखना कि फ्री सप्लाई पे जीएसटी नहीं आता है और कि वो इन द कोर्स ऑफ बिजनेस होना चाहिए और फॉर कंसिडरेशन होना चाहिए तो जीएसटी आएगा दूसरी बात आपको ये बता दूं कि यहाँ पे चार ही ऐसी एक्टिविटीज है जहां फ्री एक्टिविटी होती है तो जीएसटी आता है परमानेंट ट्रांसफर ऑफ बिजनेस ऑन परमानेंट्रांसफर आई टी आईटीसी नहीं लिया होगा और फ्री दिया होगा तो फिर कोई सप्लाई नहीं पर आईटीसी लेके फ्री दिया होगा तो वो सिचुएशन में सप्लाई होगा रिलेटेड पार्टी डिस्टिंग पर्सन सप्लाई ये गिफ्ट वाले पे क्वेश्चन आ सकता है अगर एम्प्लॉय को पचास से ज्यादा दिया तो टोटल वैल्यू पे जीएसटी आएगा okay, एजेंट अपना इनवॉइस इश्यू कर रहा है या एजेंट ने प्रिंसिपल को दिया और वो केस में एजेंट अपना इनवॉइस इश्यू कर रहा है तो सप्लाई माना जाएगा स्टूडेंट यहां कंफ्यूज हो जाते हैं इंपोर्ट ऑफ सर्विस इंपोर्ट ऑफ सर्विस में मैं आपको सच में बता दूं कि अगर इंपोर्ट ऑफ सर्विस फॉर कंसिडरेशन होगी तो ही जीएसटी आता है वेदर और नॉट फॉर बिजनेस मतलब जो सर्विस आपने इंपोर्ट की है उसके लिए आप पे कर रहे हो तो ही जीएसटी आता है लेकिन ओके अगर इन इन शॉर्ट सेकेंड पॉइंट ये आना चाहिए कि फ्री इंपोर्ट सर्विस पे जीएसटी नहीं है फ्री इंपोर्ट सर्विस पे जीएसटी नहीं है ओके वो उस ओके अगर आप कंसीडरेशन नहीं देते हो लेकिन अगर वो आपने रिलेटेड से लिया या आपने ओन एस्टेब्लिशमेंट से लिया और बिजनेस के लिए लिया तो फिर जीएसटी आ सकता है उसे सप्लाई बोला जाएगा नाउ सेक्शन सेवन टू सेक्शन सेवन टू में एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का झगड़ा हुआ स्टोरी बड़ी अच्छी है एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का झगड़ा हुआ इससे आपको पै, सारे पैरास याद आ जाएंगे मतलब सर्विस बाय प्रोवाइडेड बाय एम्प्लॉय टू एम्प्लॉयर इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन रिलेशन टू एम्प्लॉयमेंट तो उसके ऊपर जीएसटी आएगा और इस बार इसके ऊपर अच्छा क्लैरिफिकेशन भी है ओके okay, एक चीज़ ध्यान रखना परक्विजिट्स ओके okay, एक क्लैरिफिकेशन जो है परक्विजिट्स यहाँ पे और, और मैं आपको कहूंगा कि इवन दो मैं चार्ट रिवीजन ले रहा हूँ पर अमेंडमेंट्स जरूर देखना क्योंकि चार्ट रिवीजन में समरी में डिस्कशन होगा एक दो लाइन में डिस्कशन होगा लेकिन अमेंडमेंट्स आपको देखना है ये मत सोचना कि मैंने चार्ट रिवीजन ले लिया इसका मतलब ये मेरे हमारी अमेंडमेंट्स कवर हो गए नहीं अमेंडमेंट्स पर मैंने क्वेश्चन लिए है उसको मैंने ड्रिल किया है हर कॉन्सेप्ट अलग अलग एंगल से पढ़ाया हुआ है इसलिए कैसा भी करना है टाइम निकालना लेकिन अमेंडमेंट्स देख लेना नहीं तो फिर आपका घाटा इसमें मेरा कुछ नहीं जाता क्योंकि समरी हां मैं ये कह सकता हूं कि यह एरिया में अमेंडमेंट है या यहां पर आपको थोड़ा ध्यान रखना है ओके okay, पर डिटेल डिस्कशन अमेंडमेंट में ही होगा उसके बाद में नेक्स्ट बेटा यहां पे मैं आपको बता दूं कि आ, एक क्लैरिफिकेशन ही आया है ओके इस बार की पर्क्विजिट्स। पर्क्विजिट्स जो है अगर एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को परक्विजिट्स दिए तो उसका क्या होगा तो इंपॉर्टेंट याद रखना अगर एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को दिए परक्विजिट्स में उसको फ्री गुड्स दिया फ्री सर्विसेज दिया वो इन टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट होगा तो उसके ऊपर जीएसटी नहीं आएगा क्योंकि एज पर शेड्यूल थ्री पैर इन टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट माना जाएगा और उसके ऊपर जीएसटी नहीं आएगा लेकिन लेकिन अगर वो परक्विजिट ध्यान से सुनो अगर वो परक्विजिट नॉट इन टर्म्स ऑफ एग्रीमेंट होगा वो परक्विजिट जो दिए गए यहां पे हमने लिया कॉन्ट्रेक्चुअल अरेंजमेंट वो परक्विजिट्स एज ए गिफ्ट दिए गए तो पचास हजार के ऊपर अगर वो अमाउंट होगी पचास हजार के ऊपर वो अमाउंट होगी तो वो सिचुएशन में उसके ऊपर जीएसटी आ जाएगा अगर वो इन टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट नहीं होगा उसके बाद में सेकेंड यहाँ पे एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का झगड़ा हुआ दोनों कोर्ट में गए इंडिया के सारे कोर्ट और ट्रिब्यूनल की सर्विसेस यहाँ पे नॉट सप्लाई बोली जाएगी एम पी एम एल ए की सिफारिश ली यानी एम पी एम एल ए कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट गवर्नमेंट बॉडी पे अगर कोई अपॉइंट किया गया और उसको पैसा मिल रहा है तो वो सप्लाई नहीं बोला जाएगा फ्यूनरल ब्यूरल क्रिमिटोरियम ओके एम पी एम एल ए की सिफारिश ली उन्होंने कहा कि भाई यहाँ ये यह कोर्ट का मामला हम कुछ नहीं कर सकते तो रिजल्ट आने के पहले चल बसे तो रिजल्ट आने के पहले चल बसे तो उसमें सर्विसेज फ्यूनरल ब्यूरल क्रिमिटोरियम मॉर्चुरी सर्विसेज उसके बाद में सेल ऑफ लैंड ओके okay, सेल ऑफ लैंड देखो लैंड का सेल पे जीएसटी नहीं है या बिल्डिंग के सेल पे जीएसटी नहीं है लेकिन अगर लैंड आप लीज पे देते हो रेंट पे देते हो तो उसके ऊपर जीएसटी है या कंस्ट्रक्शन इंटेंडेड फॉर सेल बिफोर कंप्लीशन सर्टिफिकेट तो उसके ऊपर जीएसटी है लॉटरी बेटिंग गैमलिंग जो है six, उसके ऊपर जीएसटी आएगा उसके अलावा कोई भी एक्शनेबल क्लेम पे जीएसटी नहीं आएगा अब देखो यहां पे एक बार बता दो शेड्यूल थ्री में टोटल एट एंट्रीज है पर इसमें से ओके आप ओक, यहाँ पे इंटर लेवल पे सिक्स अपलीकेबल है और फाइनल लेवल पे टोटल एट एंट्रीज अपलीकेबल है यानी एंट्री नंबर सेवन और एंट्री नंबर एट अगर आपके वो, ओके अगर आपके यहां चार्ट में होगी और आप इंटर लेवल पे दोनों लेवल के स्टूडेंट्स देखते हैं तो अगर आप इंटर लेवल पे होगे तो आपको एंट्री नंबर सेवन और एट नहीं पढ़ना है ओके चलिए ये हमने डिस्कशन देखा अब एक जो आपको एक बात बता दो अल्कोलिक क्लिकर के लाइसेंस जो है सिर्फ अल्कोहलिक लीकर के लाइसेंस जो स्टेट गवर्नमेंट के हैं उसे सप्लाई नहीं माना गया है और दूसरा आर्टिकल 243W डब्ल्यू और 243G जी की सर्विस होगी तो उसे सप्लाई नहीं माना जाए ओके अल्कोहलिक लीकर के लाइसेंस छोड़ के बाकी अदर लाइसेंस हो गए क्यों ना गवर्नमेंट दे रही होगी तो उसके ऊपर जीएसटी है और ये अल्कोहलिक लाइसेंस को इफेक्ट दिया है मतलब क्या यानी ओके अभी जो अमेंडमेंट आई बाय फाइनेंस एक्ट उसने ये कहा कि ये जो अल्कोहलिक लीकर के लाइसेंस है ओके ये इसके ऊपर जीएसटी एक जुलाई दो से नहीं लगेगा ये रिट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट उन्होंने यहां पे दिया हुआ है चलिए फिर हमने शेड्यूल टू देखा शेड्यूल टू में टोटल पैरास देखे और कि अगर पैरा नंबर सेवन गलती से आपके चार्ट में होगा क्योंकि, क्योंकि 7 -A -A आने के बाद आई रिपीट सेवन वन ए ए आने के बाद आपको ये पैरा सेवन कर, रिमूव करना है वो डिस्कस नहीं करना है क्यों क्योंकि आप सेवन वन ए ए स्पेसिफिक आ गया कि एनी पर्सन अदर देन इंडिविजुअल इंडिविजुअल uh, कोई भी अपने ही मेंबर को सर्विस देता है फॉर कंसिडरेशन तो वो सप्लाई माना जाएगा और यहां पे जहां तक देखा जाए वो डिस्टिंग पर्सन माना जाएगा इसलिए तो आपको अप्लीकेबल टोटल सिक्स पैराज ही रहेगे चलो ये तो देखा आपने उसके बाद में नेक्स्ट बेटा यहाँ पे यस कंपोजिट सप्लाई और मिक्स सप्लाई ये कॉन्सेप्ट भी हमने देख लिया चलिए अब आते हैं कुछ क्लैरिफिकेशन uh, पे ओके okay, कुछ क्लैरिफिकेशन पे आते हैं यहां पे फटाफट मेरे साथ क्लैरिफिकेशन देख लो यस और नो तो देखो थोड़ी ये डायग्राम से मैं समझाना चाहूंगा ये डायग्राम में क्या हुआ कि जैसे यहाँ पे कोई कन्वेंस है और कन्वेंस गुड्स को लेके जा रहा है ओके okay, समझ लो ये कन्वेंस है और कन्वेंस गुड्स को लेके जा रहा है फ्रॉम वन ब्रांच टू अनादर ब्रांच इन अनादर स्टेट डीम डिस्टिंग पर्सन में लेके जा रहा है तो ये तो क्लियर था कि वो कन्वेंस में जो गुड्स जा रहे हैं ओके okay, वो कन्वेंस के अंदर जो गुड्स जा रहे हैं उसके ऊपर तो जीएसटी आएगा डीम डिस्टिंग पर्सन स्टॉक ट्रांसफर हुआ तो उसके ऊपर जीएसटी आ गया आएगा लेकिन एक कन्फ्यूजन ये हुआ था कि वो कन्वेंस भी गुड्स है क्योंकि वो भी मूवेबल है अब समझ लो वो ट्रक है और वो ट्रक जो है ओके okay, एक एक प्रीमाइसिस जैसे टाटा टाटा के अपने खुद के ट्रक्स है या कोई कंपनी है कि खुद के ट्रक्स है, और वो ट्रक अपने ही ब्रांच को वेयर हाउस में भेज रही है तो कुछ ऑफिसर ने क्या कहा कुछ ऑफिसर ने कहा कि देख भाई ओके वो गुड्स ट्रक भी मूवेबल है ट्रक मूवेबल है मतलब वो भी गुड्स में आता है तो वो अगर गुड्स में आता है तो शेड्यूल वन का पैरा टू लगता है और ट्रांसफर ऑफ गुड्स ओके बिटवीन रिलेटेड पर्सन या डीम डिस्टिंग पर्सन तो ये ट्रक पे भी जीएसटी आ गया आएगा तो यहाँ पे इंडस्ट्री परेशान होगी इंडस्ट्री ने कहा ट्रक पे जीएसटी आएगा ऐसे कैसे हो सकता है ट्रक पे जीएसटी आएगा नहीं तो मुश्किल हो जाएगी ट्रक यहाँ से यहाँ गया जीएसटी आ गया फिर वहां से वापस आया जीएसटी आ गया क्या हम जी एस खेलेंगे क्या ओके तो ऐसे केस में जहां तक देखा जाए कन्वेंस जो गुड्स को लेके जा रहा है कन्वेंस में जीएसटी नहीं आना चाहिए ओके इवन दो इट्स मूएबल पर ये रॉन्ग इंटरप्रिटेशन है तो फिर यहाँ पे सीबीआईसी का क्लैरिफिकेशन है और सीबीआईसी ने बहुत अच्छे से क्लैरिफाई किया कि अगर आपका वो कन्वेंस होगा ओके मे बी ट्रेन बसेस ट्रक टैंकर ट्रेलर ट्रे, वेसल कंटेनर एयरक्राफ्ट इवन दो वो कन्वेंस मुएबल है लेकिन कन्वेंस जब एक ब्रांच से दूसरे ब्रांच को जाएगा तो कन्वेंस पे जीएसटी नहीं आएगा ओके okay, कन्वेंस पे जीएसटी नहीं आएगा ओके okay, क्यों क्योंकि वो कोई यहां पे इन द नेचर ऑफ गुड्स नहीं ही दे आर कैरिंग द गुड्स इसलिए कन्वेंस पे जीएसटी नहीं आएगा ओके okay, लेकिन लेकिन अगर आपका कन्वेंस रिपेयर के लिए जा रहा है ओके बहुत से बड़े बड़े कंपनी के रिपेयर हब होते हैं जैसे इंडिगो इंडिगो का एक रहा आपका खुद का रिपेयर हब है ओके तो अगर आपका रिपेयर के लिए जा रहा है अदर स्टेट में तो वो केस में भी कन्वेंस जीएसटी नहीं आएगा लेकिन ओके जो आपकी ब्रांच रिपेयर सर्विस देगी जो सेपरेटली रजिस्टर्ड है डिस्टिंग पर्सन है और आपकी ब्रांच जो रिपेयर सर्विस देगी उस रिपेयर सर्विस पे जीएसटी आएगा लेकिन कन्वेंस पे जीएसटी नहीं आएगा मतलब क्या एक बार मेरे साथ रिवाइज करो कन्वेंस गुड्स लेके जा रहा है पैसेंजर लेके जा रहा है जीएसटी नहीं कन्वेंस रिपेयर के लिए जा रहा है कन्वेंस जीएसटी नहीं लेकिन जो रिपेयर सर्विस प्रोवाइड होगी उसके ऊपर जीएसटी आएगा नाउ थर्ड उन्होंने क्लैरिफाई किया कि अगर कन्वेंस ही आपका फिनिश प्रोडक्ट है जैसे अशोक लेलैंड ले, ट्रक बना रहा है बसेस बना रहा है टाटा मोटर्स ट्रक और बसेस बना रहा है और वो कन्वेंस ही आपका फिनिश गुड्स है मतलब वो दे आर नॉट अ मोड टू ट्रांसपोर्ट द गुड्स वो इट्स फिनिश गुड्स और वो आपके अदर स्टेट में जा रहा है डिपो में जा रहा है फॉर सेल फॉर फर्दर सप्लाई के लिए जा रहा होगा तो फिर जीएसटी आएगा क्योंकि नाउ दे आर नॉट कन्विंस दे आर फिनिश गुड्स एंड दे आर गोइंग फॉर फर्दर सप्लाई फर्दर सेल तो ऐसे केस में उसके ऊपर जीएसटी आएगा ओके okay, तो यहाँ पे मैंने तीनों क्लैरिफाई किया ओके कैरिंग गुड्स नॉट ट्रीटेड सप्लाई ऑफ सर्विस और कन्वेंस मूव फॉर फर्दर सप्लाई तो उसके ऊपर जीएसटी आएगा समझा क्या समझा होगा तो जितने भी स्टूडेंट कनेक्टेड है उसके बाद में नेक्स्ट नेक्स्ट बेटा वेदर इंटरेस्टेड मूवमेंट ऑफ रिग्स रिग्स व्हील इक क्रेन बिटवीन डिस्टिंग पर्सन इज लेवल टू जी एस टी अब देखो बहुत सी बार क्या होता है जस्ट मिनिट हां यह देखो बेटा बहुत सी बार क्या होता है कि यहां पर आपके कन्वेंस के साथ अटैच मशीन जाती है ड्रिलिंग मशीन है क्रेन है ओके okay, रिग्स है टूल्स है स्पेयर पार्ट्स है जो आपके कन्वेंस के साथ जाती है तो सीबीआईसी सर्कुलर कहता है कि यस अप्लाई द सेम प्रिंसिपल मतलब वो अगर जो हमने कन्वेंस को ओके okay, कन्वेंस को प्रिंसिपल लगाया उसके अटैच जो रिग्स हो गए टूल्स हो गए स्पेयर पार्ट्स हो गए क्रेन होगी सेम प्रिंसिपल उसको लगा मतलब क्या मतलब अगर वो ओके okay, क्रेन क्रेन जो जो है 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 अब कन्वेस को मत देखो जा जा रही रही उसके साथ अटैच वो जा रही है अदर ब्रांच पे जीएसटी नहीं आएगा पर अगर वो रिपेयर के लिए जा रही होगी तो रिपेयर सर्विस पे जीएसटी आएगा या वो फर्दर सप्लाई के लिए जा रही होगी तो फिर जीएसटी आएगा ओके नाउ नेक्स्ट बेटा यहां पर Uh, ये तो मैंने पढ़ा दिया आपको प्रिंसिपल और एजेंट रिलेशनशिप जहां एजेंट अपना ओन इनवॉइस इशू करेगा यह क्लैरिफिकेशन यहां पे स्टॉक ट्रांसफर कब टैक्सेबल होगा ओके okay, स्टॉक ट्रांसफर तभी टैक्सेबल होगा जब एजेंट अपना ओन इनवॉइस इश्यू करेगा अदरवाइज ओके okay, स्टॉक ट्रांसफर बिटवीन प्रिंसिपल टू तो एजेंट ये टैक्सेबल नहीं होगा उसके बाद में ये क्लैरिफिकेशन है डिस्प्ले ऑफ नेम और नेम नेम प्लेट ऑफ द डोनर ओके देखो एक चीज समझ लो ओके ये कॉन्सेप्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है आपके ऊपर जीएसटी कब आएगा ये अगर आप चार्ट देखते हो तो सप्लाई कब बोला जाता है सप्लाई बोला जाता है अगर आपने गुड्स और सर्विस दिया फॉर कंसिडरेशन इन द कोर्स ऑफ बिजनेस मतलब क्या मतलब आपकी एक्टिविटी फॉर कंसिडरेशन होनी चाहिए चलो थोड़ा मैं इसको और अच्छे से लेता हूं फॉर कंसिडरेशन होनी चाहिए मैं एक डायग्राम और मैं चाहूंगा कि ये स्क्रीनशॉट आपने भी ले लेना ये स्क्रीनशॉट आपने भी ले लेना मैं अमेंडमेंट का एक डायग्राम लेना चाहूंगा सप्लाई फॉर का और मैं आपको स्ट्रांगली सजेस्ट करूंगा कि मैं अमेंडमेंट बहुत शॉर्ट में ले रहा हूं क्योंकि ये हमारा रिवीजन है आपने अमेंडमेंट टाइम निकाल के स्पीड में ले ओके okay, जैसा आपको देखना है वैसा देख लेना ओके okay, पर आपने देखना है चलिए ओके okay, थोड़ा मैं आपको ये कॉन्सेप्ट समझा देता हूं मतलब हमारी अमेंडमेंट भी कवर हो जाएगी ओके okay, देखो क्या एक्टिविटी देखो जीएसटी कब आएगा ओके लॉ का एक कहना है सप्लाई और सप्लाई फॉर कंसिडरेशन इन द कोर्स ऑफ बिजनेस तो ओके जीएसटी आएगा सप्लाई बोला जाएगा मतलब क्या अगर आप सप्लाई कर रहे हो तो उसके अगेंस्ट में कंसिडरेशन है मतलब फ्री नहीं है अगर सप्लाई के अगेंस्ट में कंसिडरेशन है तो ओके वो ट्रांजेक्शन पे जीएसटी इन द कोर्स ऑफ बिजनेस या फिर कोई आपको कंसिडरेशन दे रहा है ये चार्ट का स्क्रीनशॉट बाद में लेना पहले समझ लो

यहां पे कि जैसा मेरी चैरिटेबल ट्रस्ट है और कोई मुझे वॉलेंट्री डोनेशन दे रहा है पचास लाख अब उसने पैस, पचास लाख तो दे दिया बट आई एम नॉट अब्लिश टू प्रोवाइड एनीथिंग बिकॉज इट्स अ वॉलेंट्री डोनेशन और मेरी चैरिटेबल ट्रस्ट है वो वॉलेंट्री डोनेशन दे रहा है ओके okay, तेरी इच्छा है तो दे मैं अच्छा काम कर रहा हूं ओके okay, तो ही इज गिविंग सम अमाउंट सम मनी सम कंसिडरेशन बट आई एम नॉट ऑब्लिज टू डू एनी ओके सेल ट्रांसफर बार्टर एक्सचेंज लीज रेंटल डिस्पोजल या फिर आई एम नॉट ऑब्लिश टू डू एनीथिंग इन एनी फॉर्म इन ऑल फॉर्म ओके तो ऐसे केस में ओके okay, यहाँ पे ये सप्लाई नहीं माना जाएगा और इसके ऊपर जीएसटी नहीं आएगा इसका बेस्ट ओके क्लैरिफिकेशन उन्होंने क्या दिया बेस्ट क्लैरिफिकेशन उन्होंने दिया कि भाई मैंने किसी ने वॉल्ट्री डोनेशन दिया और मैंने कोई नेम प्लेट लगा दी उसका कि भाई कॉन्ट्रीब्यूशन बाय विशाल भट्ट ओके okay, विशाल भट्ट नाम पर उसमें कोई मुझे ऑब्लगेशन नहीं था कि उसकी नेम प्लेट लगाओ इट्स एक्ट ऑफ फिलोफी इट्स एक्ट ऑफ टू एक्सप्रेस द ग्रेटिट्यूड कि देखो भाई पैसा दिया उन्होंने तो अब बाकी लोग भी देंगे ग्रेटिट्यूड का एक

ओके okay, और वो केस में जीएसटी नहीं आएगा क्योंकि ये दोनों कॉन्ट्रैक्चुअल रेसिप्रोसिटी होनी चाहिए कॉज एंड इफेक्ट होना चाहिए सप्लाई तो कंसीडरेशन कंसीडरेशन तो सप्लाई कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप होनी चाहिए तो ही जीएसटी आएगा अदरवाइज जीएसटी नहीं आएगा अभी आप सिर्फ इस पर ध्यान दो अभी आप इस पर ही ध्यान दो ठीक है उसके बाद में नेक्स्ट में आपको ये बता दो यहां पे सप्लाई फॉर कंसीडरेशन होना चाहिए ओके okay, इसलिए ये आ गया ये क्लियर हो गया कि जस्ट किसी का नाम यूज करना है या जस्ट किसी का एक्ट ऑफ कि यहाँ नेम प्लेट लगाना ये सप्लाई नहीं बोला जाएगा हाँ किसी का अगर आप डोनेशन दे रहे हो तो मैं आपका प्रमोशन कर रहा हूँ ऐड कर रहा हूँ स्पॉन्सरशिप कर रहा हूँ तो फिर उस पर जीएसटी आ जाएगा चलो इसी बेस पर और एक सर्कुलर आया और ये अमेंडमेंट में कवर किया मैं समझा देता हूँ फिर आपने अमेंडमेंट देख लेना मैं शॉर्ट में इसको समझा देता हूँ ओके और वो कौन सा ओके चलिए मैं आपको यहाँ पे आ, चार्ट में हो सकता है मैंने कवर किया हो चार्ट में हो सकता है नहीं कवर किया हो पर आपने अमेंडमेंट देख लेना ठीक है चार्ट में कवर हो गया होगा तो अच्छी बात है नहीं तो आपने अमेंडमेंट देख के ऐड कर देना देखो बेटा आई एम ट्राइंग माय बेस्ट टू कवर एवरीथिंग लेकिन अगर कुछ एक दो चीजें छूट भी जाए तो आप ऐड कर दो प्लीज स्पून स्पीडिंग मत रखो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है और मैं आपको बोल रहा हूं कि आपको ये चीज करना है मेरे साथ तो करना है ठीक है आर यू रेडी यस और नो ये पॉइंट समझा क्या यस yes. अब एक और सर्कुलर जिसके ऊपर मैं क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर रहा हूं और वो कौन सा सर्कुलर आया आप अमेंडमेंट में बाद में देख लेना अभी शॉर्ट में मेरे से समझ लो ओके okay, वो क्या है देखो सर्विस है ने क्या होता है सर्विस है ने एनीथिंग अदर देन गुड्स एनीथिंग अदर देन गुड्स मे बी एक्टिव और पैसिव एक्टिविटी आप कर रहे हो ओके okay, कोई पैसिव एक्टिविटी भी कर रहे हो तो भी वो सर्विस मानी जाएगी अब आपको याद होगा तो शेड्यूल टू शेड्यूल टू पैराफाइव क्लॉज ई शेड्यूल टू पैराफाइव क्लॉज ई क्या था चलो चार्ट में देखो शेड्यूल टू एन ऑब्लिगेशन आप स्पेसिफिक एग्री कर रहे हो ये ऑब्लिगेशन लेने के लिए टू रिफ्रेन फ्रॉम एन एक्ट ओके टू रिफ्रेन फ्रॉम एन एक्ट टू टॉलरेट एन एक्ट टू डू एन एक्ट ओके ये ऑफ तो सर्विस माना जाएगा कुछ ना करना, थारे गौना थारे गौना थारे ना करना इसके लिए आप स्पेसिफिक एग्री कर रहे हो टू टॉलरेट एन एक्ट इसके लिए आप स्पेसिफिक एग्री कर रहे हो टू डू एन एक्ट इसके लिए आप स्पेसिफिक एग्री कर रहे हो ओके okay, तो सप्लाई सर्विस माना जाएगा ये दिखा के आपको दिखा होगा तो जितने भी स्टूडेंट कनेक्टेड है तो चलो ये सप्लाई ऑफ सर्विस माना जाएगा लेकिन ओके okay, बिजनेस में एक यहाँ पे okay, बड़ा कन्फ्यूजन क्रिएट हो गया कभी कभी मुझे जो कंपेन्सेशन मिलते है, चलते फिरते मिलते हैं उसके लिए कोई अग्री नहीं हुआ था पहले से ओके okay, उसके लिए कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं था ओके okay, मुझे पैसा मिला पर उसके लिए आई वाज नॉट पब्लिश टू डू एनीथिंग बस चलते फिरते मिल गया ओके कैजुअल इवेंट में मिल गया ओके मियरली एन इवेंट हो गया ठीक है फॉर एग्जांपल ओके फॉर एग्जांपल ओके यहां पे मैं बाइक से जा रहा हूं okay, ओके मैं बाइक से जा रहा हूं पीछे पीछे जो कार वाले ने ठोक दिया ओके okay, कार वाले ने टोक दिया तो मैंने उसको बोला अभी नहीं नहीं अभी मेरी बाइक का खर्चा दे और मुझे जो परेशानी हुई ओके okay, मुझे एक लाख रुपए चाहिए और वो कार वाले ने एक लाख रुपए ओके okay, नहीं तो मैं केस फाइल कर दूंगा अब वो कार वाले ने एक लाख रुपए आपको दे दिया टू तो रिफ्रेन फ्रॉम एन एक्ट तो केस मत फाइल कर तू तो पुलिस कंप्लेट मत कर मैं तुझे एक लाख रुपए दे देता हूं अब आपको वो एक लाख रुपए मिल गया ओके आपको वो एक लाख रुपए मिल गया कंसिड्रेशन उससे मिल गया एक लाख रुपए ओके पर मुझे यह बताओ क्या यह जो आपको कंपेंसेशन मिला क्या यह पहले से अग्री था ओके okay. क्या इसका आपने ऑब्लिगेशन लिया था याने पहले से डिसाइड था कि ओके okay, एक कार ओके okay, देखो तू आना रोड से आना मुझे ओके okay, यहां पे हम एक्सीडेंट करेंगे और फिर तूने कंपेंसेशन देना ऐसा पहले से अग्रीड था क्या नहीं वो जस्ट मियरली एक इवेंट हो गया और जिसका आपका पैसा मिला जिसका तो यू वेर नॉट एग्रीड फॉर दैट ये बट सप्लाई वॉज नॉट ऑलरेडी अग्रीड इट वॉज नॉट ऑलरेडी एक्सप्रेस इंप्लाइड प्रॉमिस इज वॉज नॉट ऑलरेडी यहाँ पे जहां तक इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्ट वो इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं था तो ऐसे केस में वो यहां सीबीआईसी सी ने कहा कि सारे जो आपको लिक्विडेड डैमेजेस मिलते हैं या टॉलरेंस का पैसा मिलता है सभी पे जीएसटी नहीं आएगा जीएसटी कब आएगा एज अ सप्लाई ऑफ सर्विस और ये आप थोड़ा केयरफुली समझ लो और उन्होंने देखो थोड़ा सर्कुलर में प्रिंसिपल दिया वेन इट इज ट्रीटेड एज सप्लाई ऑफ सर्विस एंड इट इज नॉट ट्रीटेड एज सप्लाई ऑफ सर्विस तो वो कहते हैं अगर आपको अगर रिफ्रेनिंग का पैसा मिलता है टॉलरेंस का पैसा मिलता है तो उस रिफ्रेनिंग टॉलरेंस का पैसा कंसिडरेशन मस्ट फ्लो फ्रॉम अदर पार्टी मतलब दूसरा आपको स्पेशली उसका कंसिडरेशन दे रहा है रिफ्रेनिंग का Second, it is an express or implied promise from supplier for above three activity in return of money. वो पहले से express or implied promise होना चाहिए Okay, it cannot be assumed। ओके okay, वो क्लियर कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए और थर्ड इट मस्ट be इंडिपेंडेंट arrangement और एक्टिविटी मतलब वो पहले से एक्सप्रेस इंप्लाइड promise होना चाहिए इंडिपेंडेंट arrangement होना चाहिए और पैसा अदर पार्टी से आना चाहिए अगर आपका ये तीनों होगा तो वो टॉलरेंस का पैसा लिक्विडेड डैमेजेस का पैसा ओके या फिर जो भी आपको रिफ्रेनिंग का पैसा मिलता है जैसे बैंक एग्रीमेंट बैंक आपको पहले से जब आप लोन लेते हो तभी आपसे साइन करवाती है कि लोन अगर आपने फोर क्लोजर किया पहले से साइन करवाती है अगर आपने फोर क्लोजर किया तो आपको चार्जेस लगेंगे यानी आपने अपनी अर्ली क्लोज किया तो चार्जेस लगेंगे ये एक्सप्रेस इंप्लाइड था

ओके okay, कोई गवर्नमेंट का कॉन्ट्रैक्ट लिया और गवर्नमेंट का कॉन्ट्रैक्ट में ओके okay, कुछ ऐसा इवेंट हो गया कि जिसके वजह से गवर्नमेंट को डैमेजेस देने पड़े ओके विद इन टाइम कंप्लीट नहीं किया okay, था अगर अग्रीड होगा तो कोई बात नहीं पर अगर अग्रीड नहीं है मियरली एन इवेंट है इन द कोर्स ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ एग्रीमेंट इट डज नॉट रिप्रेजेंट द मेन ऑब्जेक्ट वो मेन ऑब्जेक्ट था ही नहीं मेन ऑब्जेक्ट कुछ अलग ही था बस इन द कोर्स ऑफ एक्टिविटी एक इवेंट आ गया और वो डैमेजेस मिल गए

अगर आपको नहीं पता अमेंडमेंट्स नहीं दिख रही है तो मैं डिस्क्रिप्शन में ये लेक्चर के बाद अमेंडमेंट लेक्चर्स के वीडियो अटैच कर दूंगा उसके डिस्क्रिप्शन में आपको नोट भी मिल जाएगी ठीक है उसका प्ले लिस्ट में अटैच कर दूंगा ओके okay. तो ऐसे केस में उन्होंने बहुत सारे एग्जाम्पल लिए लिक्विडेटेड डैमेजेस ओके कब टैक्सेबल कब नहीं अच्छे डैमेजेस रिजल्टिंग फ्रॉम डैमेजेस ऑफ प्रॉपर्टी ओके okay, एक सडनली कोई किसी ने आपके दीवार को प्रॉपर्टी की दीवार को धक्का मार दिया एक्सीडेंट कर दिया और आपने डैमेजेस ले लिए क्या एक, एग्रीड थे नहीं ओके निगलीजेंस पायरेसी और कॉपीराइट राइट मेरी ओके चार्ज बुक कॉपीराइट्स में ले लिए ओके okay, आजकल होता है ऐसा ओके okay, यानी ये जो यहाँ पे नए नए लोग पढ़ाने आ रहे हैं कुछ नहीं कि इधर उधर से कॉपी करके ओके okay, यहाँ पे पढ़ा रहे पढ़ाना अच्छी बात है मैं उसके अगेंस्ट में नहीं हूँ पर अपनी नोट्स बनाओ अपना कुछ करो ओके सिर्फ फास्ट ट्रैक में पढ़ा दिया रेगुलर तो नहीं फर फास्ट ट्रैक में रिविजन ले लिया मतलब यू आर गुड टीचर ऐसा नहीं है ओके फास्ट ट्रैक में ऑब्लिगेशन क्या होता है टीचर पे फटाफट पढ़ा पड़ दो समझा तो समझा नहीं समझा तो सम्झा, नहीं समझा ओके okay, ताकत होती है रेगुलर में पढ़ाना रेगुलर को बेस में पढ़ाना okay, यह, यह, चाहता हूं okay, यू, यूट्यूब पे और ये हो गया ऐसा इसका मतलब okay, आपने अच्छा पढ़ा दिया नहीं नोट्स का कंटेंट होना चाहिए okay, और आपको डेप्थ आनी चाहिए चलो मैं किसी पे कमेंट नहीं कर रहा हूं बस आपको बता रहा हूं तो ऐसे सिचुएशन में जहां तक है अगर कोई निग्लिजेंस का पैसा मिल गया अग्रीड नहीं था पायरेसी का पैसा अग्रीड नहीं था उसके ऊपर जीएसटी नहीं है लेकिन ओके अगर आपका अग्रीड होगा ऑलरेडी अग्रीड होगा हो तो जीएसटी आएगा उसमें उन्होंने एग्जांपल लिया लिक्विडेड डैमेजेस कंपेंसेशन चेक डिसऑनर चार्जेस सब सबका उलन दिया पर सब में एक ही बेस है बेटा ओके सब में एक ही बेस है और वो एक बेस ये है कि क्या वो एक्सप्रेस इंप्लाइड था तो फिर जीएसटी अगर वो नहीं था आपने आपको किसी ने चेक दिया पर चेक डिसऑनर होता है तो चार्जेस लगेंगे अगर लिख के लिया होगा तो फिर जीएसटी आएगा पर ये कहीं पे भी एक्सप्रेस इंप्लाइड नहीं था डिसऑनर हो गया बाद में आपने चार्जेस लगाए जो पहले से अग्रीड नहीं थे तो फिर जीएसटी नहीं आएगा तो ऐसे उन्होंने एग्जाम्पल दिए ये आपको पढ़ना है चलिए भाई मैंने दोनों सर्कुलर यहां कवर कर लिए वापस आता हूं हमारे डिस्कशन में बॉस ये चार्ट बनाने के लिए मैंने जान लगा दी थी अपनी लेकिन कॉपी करने में टाइम नहीं लगता है मैं देख रहा हूँ ओके okay, लोग आते हैं कॉपी कर लेते हैं यूट्यूब पे लेक्चर रिविजन लेक्चर <laughs> कोई प्रॉब्लम नहीं पढ़ाना अच्छी बात है लेकिन मेहनत खुद करो ओके नाउ नेक्स्ट जहाँ तक ये हुआ हमारा इसका नेक्स्ट आते हैं whether tenancy premium for transfer of tenancy rights to an incoming tenant attract gst when stamp duty and registration charges is levied on the said premium ye tenancy premium kya hota hai main aapko batata hu theek hai abhi ek example lete hain incoming tenant ab dekho kya hua ki वी स्मार्ट ने अपना hostel चालू किया एग्जाम्पल है वी स्मार्ट ने हॉस्टल चालू किया और यहाँ पे एक कंपनी है मैं समझ लो मिस्टर बी है उसने एक पूरी बिल्डिंग रेंट पे ले ली ओनर है ओनर से पूरी बिल्डिंग रेंट पे ले ली तो वो अरे यार क्या हो रहा है ओके तो जहां तक देखा जाए यहां पे टेन्सी प्रीमियम फॉर ट्रांसफर ऑफ टेनसीट जीएसटी पर मैं बता देता हूँ रेंट बिल्डिंग पे ले लिया सॉरी बिल्डिंग रेंट पे ले लिया ओके तो ये जो बिल्डिंग है रेंट पे ले लिया रेंट तो दे रहे एक टेनेंसी प्रीमियम होता है मतलब क्या की भाई मुझे सब्लिस के राइट दे और मैं आगे स्टूडेंट को सबलिस कर सकता हूँ ओके okay, तो अभी क्या हुआ कि एक बिल्डिंग है जिसमें यहाँ पे 250 स्टूडेंट्स है वन बीएचके का पूरा बिल्डिंग है पूरा बिल्डिंग एक बिल्डर से ले लिया समझ लो मिस्टर बी ने ले लिया और उसने ये भी टेनेंस और एक्स्ट्रा प्रीमियम भी दिया इन एडिशन टू रेंट प्रीमियम भी दे रहा है वो प्रीमियम क्या दे रहा है कि देखो ओके रेंट में आपको पूरे बिल्डिंग का जो दूंगा वो यहाँ पे दस लाख रुपये महीना दूंगा प्लस मैं आपको पचास लाख का प्रीमियम देता हूँ कि मुझे राइट दो कि मैं स्टूडेंट्स को जो है यहाँ पे हॉस्टल के लिए सब्लिस कर सकूँ या कोई कंपनी को मैं हॉस्टल के लिए सब्लिस कर सकू या वी स्मार्ट को मैं हॉस्टल के लिए सब्लिस कर सकू ओके तो ये जो प्रीमियम दिया गया ओके okay, लैंडलॉर्ड को इस महाराष्ट्र रेंट कंट्रोल एक्ट के हिसाब से स्टैंप ड्यूटी लगती है रजिस्ट्रेशन लगता है तो जो 50 लाख का रेंट पे नहीं हम प्रीमियम की बात करें फॉर गेटिंग सम राइट्स फॉर इनकमिंग टेनेंट जो एक्स्ट्रा प्रीमियम, प्रीमियम दिया गया तो ये जो एक्स्ट्रा प्रीमियम दिया गया ओके okay, तो यहां पे क्या उसके ऊपर जीएसटी आएगा तो मैं आपको ये बता दूं कि ये जो एक्स्ट्रा प्रीमियम दिया गया उसके ऊपर जीएसटी पहली बात तो सवाल ये था कि उसके ऊपर स्टैंप ड्यूटी लगती है रजिस्ट्रेशन चार्जेस लगते हैं तो क्या जीएसटी आएगा तो यस बेटा उसके ऊपर जीएसटी आएगा उसके ऊपर जीएसटी आएगा जिस आपके ऊपर स्टैंप ड्यूटी लग रही है पचास लाख पे ओके या रजिस्ट्रेशन चार्जेस लग रहे हैं तो जीएसटी नहीं लगेगा ऐसा नहीं है इट्स अ सर्विस ओके एनी राइट्स एनी राइट्स ओके फॉर बिल्डिंग एज पर पैरा टू ऑफ शेड्यूल टू एनी राइट्स ऑफ द बिल्डिंग और टेनेंसी राइट्स ऑफ द बिल्डिंग इज अ सर्विस तो उसके ऊपर जीएसटी आएगा या आउटगोइंग टेनेंट है और आउटगोइंग टेनेंट को खाली करने का 50 लाख रुपए दे रहे कि यार तू खाली कर ओके 50 लाख ले पर वो बिल्डिंग खाली कर तो वो जो 50 लाख मिल रहा है आउटगोइंग टेनेंट को क्या उसके ऊपर भी जीएसटी आएगा तो यस उसके ऊपर भी जीएसटी आएगा इवन दो स्टैंप ड्यूटी लग रही है पर ओके इसमें एक थोड़ा सा पॉइंट यहां पे ये है कि अगर ये जो टेनेंसी प्रीमियम होगा और ये टेनेंसी प्रीमियम रेसिडेंशियल ड्वेलिंग का होगा और रेसिडेंशियल ड्वेलिंग फॉर अनरजिस्टर्ड पर्सन होगा तो वो केस में ओके okay, क्योंकि रेंटिंग ऑफ रेसिडेंशियल ड्वेलिंग टू अनरजिस्टर्ड पर्सन ये एग्जम्प्ट है तो वो केस में यहां एग्जामेशन मिल सकता है ठीक है तो ये पर सर्कुलर प्रायोरिटी प्रायरिटी में रखना कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है नेक्स्ट बेटा प्रिंटिंग ऑफ बुक्स पैम्पलेट ब्राउचर एनुअल रिपोर्ट और लाइक देखो अगर कोई बुक्स प्रिंट कर रहा है पैंपलेट्स प्रिंट कर रहा है ब्राउचर एनुअल रिपोर्ट प्रिंट कर रहा है तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी किसी और की है बुक का कंटेंट किसी और ने बनाया ये जस्ट प्रिंटिंग कर रहा है तो वो सप्लाई सर्विस माना जाएगा लेकिन पे इनवॉलअपे लेटर कार्ड पे जस्ट उसका लोगो प्रिंट कर रहा है नाम प्रिंट कर रहा है पर मेन इन्वॉल्प मेरा है लेटर कार्ड मेरा है प्रिंटेड बॉक्स मेरा है नैपकिन मेरा है सिर्फ सामने वाले का नाम और लोगो है तो वो केस में वो सप्लाई ऑफ गुड्स माना जाएगा एक बार फिर से फर्स्ट केस में सप्लाई ऑफ सर्विस माना जाएगा क्यों क्योंकि बुक में पेजेस और प्रिंटिंग इंपॉर्टेंट नहीं होती है बुक में कंटेंट इंपॉर्टेंट होता है और कंटेंट किसी और का है और प्रिंटेड इन्वोल लेटर कार्ड में ओके okay, सिर्फ सामने वाले का लोगो और नाम है बाकी पूरा इन्वोल और पेपर सब मेरा है तो ऐसे केस में दूसरे केस में वो सप्लाई ऑफ गुड्स माना जाएगा क्योंकि उसमें प्रिंसिपल सप्लाई गुड्स है और पहले केस में प्रिंसिपल सप्लाई इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है जो किसी और की है ओके okay, तो सप्लाई ऑफ सर्विस माना जाएगा तो ये कुछ इंपॉर्टेंट सर्कुलर अमेंडमेंट के साथ हमने यहां पे कवर कर लिया है डन चलो यहां तक अच्छे से समझ में आया स और नो चलिए अब हम स्टार्ट करेंगे रिवीजन ऑफ रिवर्स चार्ज ठीक है आर यू रेडी चलो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म सबसे पहले तो इसमें हमने देखना है देखना है यहां पे सेक्शन नाइन

ओके, ओनली सप्लाई स्पेसिफाइड वेदर सप्लाई इज़ रजिस्टर्ड और नॉट रिसिपियन इज रजिस्टर्ड और नॉट नॉट इंपॉर्टेंट इफ सप्लाई इज नोटिफाइड देन रेसिपियंट इज लाइबल एंड इन दैट केस हैज़ टू टेक अ कंपलसरी रजिस्ट्रेशन इफ ई इज अनरजिस्टर्ड लेकिन नाइन के केस में नाइन के केस में रिवर चार्ज तभी आएगा

Okay, तो उसके रिप्रेजेंटेटिव पे आएगा अंडरलाइन आएगा और अगर आ, यहां पे उसका नहीं है, तो उसे कोई करना पड़ेगा फॉर पेमेंट ऑफ टैक्स ओके तो ये था ईसीओ का का अब मैं सेक्शन नाइन का ईसीओ आपको यहां एक्सप्लेन कर देता हूं okay, तो सो so दैट फिर हम फोकस करेंगे नाइन थ्री ओ नाइन पे ओके okay, तो नाइन का जो है नाइन में इंटरेस्टेड सप्लाई हो या इंट्रा हो दोनों भी इवन तो मैंने इंट्रा लिखा हो, पर इंट्रा स्टेट को भी एप्लीकेबल है वहां 55 में एप्लीकेबल है और 95 में इंट्रा को एप्लीकेबल है यहां सीजीएसटी आईजीएसटी और आईजीएसटी दोनों पे भी आएगा ओके तो ऐसे सिचुएशन में अगर 95 का सप्लाई होगा सुनो का सप्लाई होगा ओके वो सप्लाई सर्विस ही होना चाहिए क्योंकि अगर गुड्स का सप्लाई तो उसको टीडीएस टी सी एस लगते हैं जो हम बाद में देखेंगे ओके और यहाँ पे नाइन फाइव का इसी होगा नोटिफाइड सर्विसेज होगी तो वो सिचुएशन में यहाँ पे उसका टैक्स सप्लायर भी नहीं देगा रिसिपियन भी नहीं देगा कौन देगा इसीओ देगा पहला ओके पैसेंजर ट्रांसपोर्ट बाय ओके okay, कैब और मोटरसाइकिल और ओमनी बस और एनी अदर मोटर व्हीकल अगर पैसेंजर ट्रांसपोर्ट सर्विस होगी और वो कैब से होगी मोटरसाइकिल से होगी ओमनी बस से होगी या एनी मोटर व्हीकल से होगी और पैसेंजर ट्रांसपोर्ट सर्विस होगी और वो अगर बुकिंग ई के थ्रू हुआ होगा तो उसका टैक्स ई ही देगा वेदर सप्लाई इज रजिस्टर्ड और नॉट ओके दूसरा

ऑफ ओके बाय होटल इन गेस्ट हाउस और दूसरा हाउसकीपिंग सर्विसेज एंड एक्सेट्रा उस कीपिंग सर्विसेस प्लम्बिंग एंड एक्सेट्रा तो ये अगर होगा सप्लायर इज लाइबल टू रजिस्टर्ड होता है और नॉट लाइबल टू रजिस्टर्ड है अगर सप्लायर नॉट लाइबल टू रजिस्टर्ड है तो इसीओ देगा और सप्लायर लाइबल टू रजिस्टर्ड है तो वो केस में यहाँ पे सप्लायर खुद टैक्स देगा यानी ये दोनों केस में अगर सप्लायर थ्रेशोल क्रॉस कर देता है या लाइबल टू रजिस्टर्ड हो जाता है तो फिर इसीओ टैक्स नहीं देगा लेकिन जब तक सप्लायर नॉट लाइबल टू रजिस्टर्ड है तब तक टैक्स कौन देगा बेटा तो तब तक टैक्स इसीओ देगा स्टूडेंट नोट्स में आप

तो जो बुकिंग इसियो के थ्रू हुई उसका टैक्स देगा तो ये देखो हमने यहाँ पे कंप्लीट किया रिगार्डिंग टू ओके रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म ओके अंडर सेक्शन नाइन फाइव चलिए अब देखते नाइन फोर ठीक है ये एक बेटा चार्ट ले रहा हूं सभी ध्यान इस चार्ट पे ठीक है एक सप्लायर है और एक रिसिपियंट है सप्लायर गुड्स और सर्विस सप्लाई कर रहा है किसको को को एक नॉर्मल ट्रांजेक्शन अंडर फॉरवर्ड चार्ज कैसे होता है नॉर्मल ट्रांजेक्शन अंडर फॉरवर्ड चार्ज होता है कि सप्लायर जो है सप्लायर यहाँ पे ओके गुड्स परचेस करता है जिसे मैं इनवर्ट सप्लाई कहूंगा समझ लो उसने गुड्स परचेस किया इनवाइस वैल्यू फिफ्टी थाउजेंड जिसके ऊपर जीएसटी एट द रेट एटीन परसेंट और वो जीएसटी एट द रेट एटीन परसेंट ओके वो नाइन थाउजेंड ठीक है तो जीएसटी एट द रेट एटीन परसेंट नाइन थाउजेंड उसके ऊपर लगा

क्रेडिट लेके गवर्नमेंट को फॉरवर्ड चार्ज में पे कर देगा लाइबिलिटी टू पे टैक्स ऑन दिस ट्रांजेक्शन इज ऑफ द सप्लायर और मोस्ट ऑफ द केस में सप्लायर की लाइबिलिटी हैिटी सप्लायर की ही होगी आप समझ लो ठीक है चलो अब देखो रिसिपियंट समझ लो ये ट्रांजेक्शन बी टू बी है वो भी रजिस्टर्ड पर्सन है ये भी रजिस्टर्ड पर्सन है तो ऐसे केस में इसने गुड्स खरीदा ओके okay, गुड्स खरीदा जीएसटी पे करके आया इसने गुड्स खरीदने के बाद जो इसने गुड्स खरीदा ये उसका क्रेडिट लेगा ओके तो इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर के क्रेडिट साइड में अठारह हजार रुपए क्रेडिट आ जाएगा नाउ

ये इसको पे कर रहा है और यहां से ये गवर्नमेंट को जा रहा है पर क्या मिस्टर बी डायरेक्ट पे कर रहा है क्या नहीं फॉरवर्ड चार्ज में ये इसका ये दे रहा है पर ये इसको दे रहा है और यहां से गवर्नमेंट को जा रहा है ठीक है और बाद में ये उसका क्रेडिट ले रहा है क्योंकि है तो उसका इनवर्ट सप्लाई अगर आपको ये पूरा मैकेनिज्म मैकेनिजम समझाओगा तो एफ टाइप कीजिएगा एफ मतलब फॉरवर्ड चार्ज ओके की ये अठारह हजार देगा अठारह हजार दे उसका क्रेडिट ले लेगा उसका क्रेडिट ले लेगा यस ओके फटाफट टाइप करो एफ ओके यानी फॉरवर्ड चार्ज का मैकेनिज्म आपको समझ में आया होगा चलिए अब मैं आता हूं रिवर्स चार्ज में बॉस ओके इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लेना बाद में लेकिन अब एक स्टेप बाय स्टेप यहां पे समझ लो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म अगर मेरे एक एक्सप्लेनेशन में आपको समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात नहीं अब मेरी आदत है कि मैं आपको ये मैकेनिज्म समझाऊं नहीं तो रिवर्स चार्ज में जो मैं पढ़ा होगा वो लर्न कर लेगा दूसरा ऑप्शन नहीं है ठीक है अब ध्यान से सुनो स्टेप बाय स्टेप थोड़ा स्लो चलता हूं बट बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है थोड़ा स्लो चलता हूं पर इंपॉर्टेंट पॉइंट है पॉइंट नंबर वन ओके पॉइंट नंबर वन यहां पे मिस्टर ए मिस्टर बी को सप्लाई कर रहा है ओके मिस्टर ए ने यहां से शुरुआत करते हैं ओके okay, सोर्स यहां से लेते हैं मिस्टर ए ने गुड्स खरीदा या जो भी इनपुट कैपिटल गुड्स इनपुट सर्विस खरीदी जिसकी वैल्यू फिफ्टी थाउजेंड है उसके ऊपर जीएसटी जो है नाइन थाउजेंड पे किया है जिस पर मैं बोलूं उस पर ही ध्यान देना बाकी मत देखना वैसे आपकी बहुत बेकार आदत होती है कि बाकी कुछ चीजें देखते रहते हो ओके ऐसा मत करो ओके जो मैं जो है जहां बोल रहा हूं बस उतना ही सुनो

ठीक है तो जहां तक देखा जाए मिस्टर ए जो है सप्लायर तो अब यहां पे इसने खरीदा वैल्यू फिफ्टी थाउजेंड जीएसटी लगा अब देखो मैकेनिज्म आगे कैसे बढ़ रहा है ये सप्लायर जो गुड्स और सर्विस दे रहा है समझ लो सेक्शन नाइन थ्री या नाइन फोर में ये रिवर्स चार्ज में नोटिफाइड गवर्नमेंट कहती है कि इस सप्लाई का टैक्स हम सप्लायर से नहीं लेंगे हम रिसिपियंट से लेंगे मे बी जी सर्विस हो स्पॉन्सरशिप सर्विस हो लीगल सर्विस हो ओके वाटेवर इट में भी ओके वाटेवर इट में भी तो जहां तक देखा जाए तो रिसिपियन से वो मतलब गवर्नमेंट रिसिपियन से टैक्स लेगी बस गवर्नमेंट की अपनी कन्वीनियंस ही है चलो ठीक है कोई दिक्कत नहीं तो ऐसे केस में जहां तक है ये गुड्स और सर्विस जो इसका आउटवर्ड सप्लाई जो इसका आउटवर्ड सप्लाई ये जो सप्लाई कर रहा है ओके okay, उसका टैक्स गवर्नमेंट इससे लेगी अब इससे लेगी तो मैकेनिज्म में पूरा चेंज करना पड़ेगा है जो हमने ऊपर देखा अब देखो क्या है? हो सकता है सप्लायर रजिस्टर्ड हो हो सकता है इवन दो रिवर चार्ज में पर सप्लायर जीएसटी में रजिस्टर्ड हो या हो सकता है सप्लायर जीएसटी में अनरजिस्टर्ड हो पहला सवाल सर अगर सप्लायर जीएसटी में रजिस्टर्ड है तो ऐसे केस में सर सप्लायर ने जीएसटी दिया तो चलेगा क्या नहीं अगर कोई गुड्स और सर्विस सेक्शन नाइन थ्री फोर में नोटिफाइड है तो उसका टैक्स गवर्नमेंट से ही लेगी सप्लायर रजिस्टर्ड हो या ना हो गया तेल लेने ओके okay, हमको उससे कोई तो ऐसे केस में जहां तक देखा जाए तो ही टैक्स देगा लेकिन पूरा रजिस्टर्ड है तो वो केस में टैक्स इनवाइस जीएसटी का सप्लायर बनाएगा सुनना स्टेप बाय स्टेप टैक्स इनवाइस जीएसटी का कौन बनाएगा सप्लायर क्योंकि उसका सप्लाय है वो अपने टिक कर देगा मतलब क्या मतलब ये कि इसने बनाया का इसने किया, लेकिन इसका टैक्स सप्लायर नहीं देगा इसका टैक्स कौन देगा रिसीपिएंट देगा ओके okay, इसका टैक्स क्योंकि उसने आरसीएम पे टिक कर दिया है क्योंकि ये गुड्स और सर्विस नोटिफाइड है तो इसने रिसीपिएंट को लिए टिक कर दिया है अब इसका टैक्स जो है रिसीपिएंट दे रहा है मेरी बात को सुनना इसका टैक्स कौन दे रहा है रिसिपियन दे रहा है तो अगर ये रिसिपियन टैक्स दे रहा है तो रिसिपियन कैसे देगा रिसिपियन के पास टैक्स इनवाइस आएगा अब आपका सवाल आ सकता है सर रिसिपियन अनरजिस्टर्ड होगा तो अगर रिसिपियंट अनरजिस्टर्ड होगा तो उसको कंपलसरी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा जीएसटी में आई रिपीट उसको कंपलसरी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा जीएसटी में सेक्शन 24 कहता है रिवर्स चार्ज में रिसिपियट पे अगर लाइबिलिटी होगी तो कंपलसरी रजिस्ट्रेशन सेक्शन ट्वेंटी में उसको लेना पड़ेगा अगर अनरजिस्टर्ड होगा रजिस्टर्ड होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं तो जैसे ही इसका टैक्स इनवाइस आ जाएगा ये जो है ओके okay, यहां पे रिवर चार्ज में गवर्नमेंट को दे देगा तो अठारह हजार रुपये यह गवर्नमेंट को देगा और इसको पेमेंट करेगा एक लाख ही हाँ इसको एक लाख अठारह हजार नहीं करेगा इवन तो इसका बिल एक लाख अठारह हजार का आया है लेकिन उसने आरसीएम पे टिक किया हुआ है इसलिए आरसीएम सी पे टिक किया हुआ है तो इस इन्वर्ट सप्लाई का रिवर चार्ज में पेमेंट कर देगा और पेमेंट करने के बाद अठारह हज़ार इसको देगा और एटीन ओके एक लाख रुपए इसको देगा तो क्या हुआ क्या रिसिपियन पे एक्स्ट्रा लाइबिलिटी आई क्या नहीं रिसिपियन पे एक्स्ट्रा लाइबिलिटी नहीं आई फॉरवर्ड चार्ज में क्या होता था फॉरवर्ड चार्ज में पैसा रिसिपियन को ही देना था पर पैसा वो ऐसा होता था कि ये इसको देता था और ये गवर्नमेंट को देता था रिको फॉरवर्ड चार्ज में कैसा होता था ये इसको देता था और ये गवर्नमेंट को देता था अब यहाँ रिवर चार्ज में क्या होगा रिवर चार्ज में ऐसा नहीं घूमेगा ऐसा नहीं घूमेगा रिवर चार्ज में एक लाख इसको देगा अठारह इसको देगा इसको देना एक लाख अठारह हजार ही है रिसिपियन को बस इतना ही है कि ये डायरेक्ट गवर्नमेंट को देगा इसमें हाँ रिसिपियन पे लाइबिलिटी क्या बढ़ जाती है रिसिपियन पे कंप्लायंस लाइबिलिटी बढ़ जाती है कंप्लायंस मतलब अब रजिस्ट्रेशन रिसिपियन को लेना है यहाँ यहाँ रिसिपियन

ठीक है तो वन टाइप करो तो अब ऐसे सिचुएशन में देखो ये हो गया यहां कि ये टैक्स देगा दूसरी बात अगर सप्लायर सर अगर अनरजिस्टर्ड होगा तो ये तो ये तो आपने बता दिया कि सप्लायर रजिस्टर्ड है अगर सप्लायर अनरजिस्टर्ड होगा तो जस्ट मिनट बेटा जस्ट मिनट सॉरी अगर सप्लायर अनरजिस्टर्ड होगा तो अन, वो सप्लायर रजिस्टर्ड हो या ना हो हम टैक्स रिसिपियंट से लेंगे बात खत्म हाँ लेकिन मैकेनिज्म में फर्क पड़ मैकेजिस्टर्ड है।, है तो वो केस में वो टैक्स इनवाइस नहीं बना सकता रजिस्टर्ड होता तो वो टैक्स इनवाइस बना रहा है और आरसीएम पे टिक कर रहा है लेकिन अगर वो अनरजिस्टर्ड है तो एक नॉर्मल बिल बना के देगा और इसका टैक्स इनवाइस रिसिपियंट बनाएगा यस yes, ये इन्वर्ट सप्लाई का टैक्स इनवाइस क्योंकि रिसिपियंट के लिए वो इनवर्ड है ये इन्वर्ट सप्लाई का टैक्स इनवाइस रिसिपियंट बनाएगा जिसे हम सेल्फ इनवाइस कहते हैं ओके okay, और ये चैप्टर में है कि यहां पे रिसिपियंट को टैक्स इन्वाइस बनाने पड़ते अपने इन्वर्ट सप्लाई के अगर वो रिवर्स चार्ज में आता है और वो अनरजिस्टर्ड से लेता है क्योंकि इसका कवरिंग डॉक्यूमेंट तो होना जरूरी है क्योंकि उसने नहीं बनाया तो फिर रिसिपियंट उसका टैक्स इनवाइस बनाएगा जिसे सेल्फ इनवाइस कहते हैं

उस पर जीएसटी लगा नाइन थाउजेंड तो क्या यह सप्लायर उसका क्रेडिट ले सकता है क्या तो लॉ क्या कहता है सेक्शन सेवनटीन ओके ये कहता है कि अगर सप्लायर का आउटवर्ड सप्लाई ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है अगर सप्लायर का आउटवर्ड सप्लाई रिवर्स चार्ज में है अगर सप्लायर का आउटवर्ड सप्लाई रिवर्स चार्ज में है जहां लाइबिलिटी पे है तो वो सप्लाई सप्लायर के लिए एग्जाम माना जाता है वो सप्लाई सप्लायर के लिए एग्जाम माना जाता है वो एक्चुअली एग्जाम नहीं है क्योंकि उसका टैक्स रिसीपिएंट दे रहा है पर ये माना जाएगा सप्लायर के लिए कि वो एग्जम्प्ट है अगर वो एग्जाम माना जा रहा है तो उसमें उसमें यूज होने वाले इनपुट उसमें यूज होने वाले कैपिटल गुड्स और उसमें यूज होने वाली इनपुट सर्विस के क्रेडिट सप्लायर को नहीं मिल रही दैट्स ऑल सिंपल वर्ड में अगर किसी का सप्लाई रिवर चार्ज में है तो सप्लायर को क्रेडिट्स नहीं मिलते हैं फॉर दैट इनपुट कैपिटल गुड्स इनपुट सर्विस यूज इन सच सप्लाय ये पॉइंट समझा क्या ओके मतलब इसको आईटीसी नहीं मिलेगा सप्लाई सप्लायर को आईटीसी नहीं मिलेगा समझा क्या समझा होगा तो यहां तक समझा होगा तो टू टॉय कीजिएगा ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था ओके सो रि रिवर चार्ज का यहां पे एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है कि जो सप्लायर है ओके okay, सप्लायर का वो एग्जाम सप्लायर माना जाता है उसको आई नहीं मिलता है यहां तक समझाओ तो टू टाइप कीजिएगा नाउ अब आते हैं इसका काम हो गया हमने इसके बारे में सारी बातें समझ ली ओके okay, ये गवर्नमेंट को टैक्स नहीं देगा रजिस्टर्ड होगा तो टैक्स इनवाइस बनाएगा नहीं होगा तो बिल बनाएगा टैक्स इनवाइस तो आर में होगा ये बंदा ओके okay, यहाँ पे क्रेडिट नहीं लेगा जैसे जैसे अगर आपको कुछ रिवर्स चार्ज याद आ रहे हो गीटीए प्रोवाइडेड द सर्विस टू बिल ओके यहाँ पे रजिस्टर्ड पर्सन तो ये रहा जी ये रहा ओके सर्विस रिसिपियन जीटीए अगर रिवर्स चार्ज में है तो वो केस में जीटीए को क्रेडिट नहीं मिलते या इंडिविजुअल एडवोकेट प्रोवाइड सर्विस टू बिजनेस एंटिटी तो इंडिविजुअल एडवोकेट को क्रेडिट नहीं मिलते फॉर दैट इनपुट्स कैपिटल गुड्स इनपुट सर्विस जो रिवर चार्ज में है स्पॉन्सरशिप सर्विस प्रोवाइडेड टू रिसंट कुछ याद आ रहा है आपको तो ये जो स्पॉन्सरशिप सर्विस प्रोवाइड कर रहा है जहां रिवर्स चार्ज है तो वो केस में जिसने स्पॉन्सरशिप सर्विस दी उसको क्रेडिट नहीं मिलते हैं ओके डायरेक्टर प्रोवाइडेड सर्विस टू बॉडी कॉर्पोरेट तो जिस जो डायरेक्टर है जो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है उसको क्रेडिट नहीं मिलता है यहां तक समझा ओके okay, इसको क्रेडिट नहीं मिलता चलो अब आ जाओ जिसने सर्विस ली समझ लो जिसने जीटीए से सर्विस ली ओके okay, जिसने एडवोकेट से सर्विस ली बिजनेस एंटिटी जैसे वी स्मार्ट ने एडवोकेट से सर्विस ली उसका क्या स्टेटस उसका ये स्टेटस बेटा कि वो रिवर चार्ज में यहां टैक्स पे करेगा गवर्नमेंट को ओके रिवर चार्ज में टैक्स पे करेगा पॉइंट नंबर टू वो जो रिवर चार्ज में टैक्स पे कर रहा है सुन दा मेरी बात वो जो रिवर चार्ज में टैक्स पे कर रहा है मुझे ये बताओ वो टैक्स रिवर चार्ज में आउटवर्ड का दे रहा है या इनवर्ड का दे रहा है इनवर्ड का दे रहा है अब एक सवाल है जब ये रिवर चार्ज में अठारह हजार का टैक्स देगा तो इसका एक सिंपल क्वेश्चन है क्योंकि समझ लो वी स्मार्ट है वी स्मार्ट ने एडवोकेट सर्विस ली ओके okay, और रिवर चार्ज में लाइबिलिटी आ रही है तो मेरा एक सिंपल सवाल है वी स्मार्ट के क्रेडिट बहुत सारे पड़े हुए हैं ओके okay, बहुत सारे क्रेडिट पड़े हैं क्योंकि वी स्मार्ट तो बाकी भी बिजनेस कर रहा है बहुत सारी परचेसेस कर रहा है क्रेडिट पड़ रहा है तो क्या ये एटीन थाउजेंड पे करने के लिए सुना आ, ध्यान से क्या ये एटीन थाउजेंड पे करने के लिए मैं अपना आईटीसी बैलेंस यूज कर सकता हूं क्या नहीं रिवर्स चार्ज का पेमेंट टोटली ई कैश लेजर से ही करना पड़ता है मैं अपना आईटीसी बैलेंस यूज नहीं कर सकता मेरे पास सफिशियंट आईटीसी है लेकिन यह पैसा मुझे ई कैश लेजर से ही देना पड़ेगा

अठारह हजार पे करने के लिए मैं आईटीसी लेजर यूज नहीं कर सकता मुझे कैश से पे करना पड़ेगा लेकिन यह अठारह हजार पे करने के बाद आफ्टर पेमेंट मैं इसके क्रेडिट जरूर ले सकता हूं क्योंकि है तो मेरा इनवर्ट सप्लाई ओके तो रिसिपियंट को क्रेडिट है क्रेडिट किसको ब्लॉक है सप्लायर को जैसे जीटीए सप्लाइंग सर्विस ओके लॉयर सप्लाइंग सर्विसेज डायरेक्टर सप्लाइंग सर्विसेज स्पॉन्सरशिप सर्विसेस जो सप्लाई कर रहा है उसके क्रेडिट ब्लॉक है जो ले रहा है उसके क्रेडिट ब्लॉक नहीं ब्लॉक नहीं है यानी मैं पे भी करूँगा और मैं इसका क्रेडिट भी ले सकता हूँ तो मैं पूरा पे कैश में करूंगा और बाद में उसका क्रेडिट भी ले सकता हूं फॉर तो एग्जाम्पल मेरा ओपनिंग बैलेंस है एट तो मेरा ओपनिंग बैलेंस 8000 और इनवर्ट सप्लाई ओके मैं पेमेंट करने के बाद 8000 का क्रेडिट लूंगा मतलब मेरे पास क्रेडिट जमा हो गया 26000 तक ट्वेंटी तो थ्री टाइप करो यहां तक समझाओगे तो थ्री टाइप करो यस और नो बोलो फटाफट थ्री टाइप करो ठीक है तो चलिए मैं पे भी करूंगा और उसका क्रेडिट भी लूंगा डन उसके बाद में अब मेरी आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी क्या है फिफ्टी फोर थाउजेंड आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी मेरे पास क्रेडिट का स्टेटस लाइबिलिटी स्मार्ट की कैसी बनेगी फॉर दिस आउटपुट टैक्स फिफ्टी फोर था उसके बाद में आई टी से लिया ट्वेंटी मतलब मुझे आउटपुट टैक्स का नेट ट्वेंटी एट देना है आउटपुट टैक्स का नेट ट्वेंटी एट देना है प्लस प्लस मुझे रिवर चार्ज का भी क्योंकि रिवर चार्ज का इमीजिएट नहीं वो भी मंथली बेसिस पे दूंगा प्लस मुझे रिवर चार्ज का एटीन देना है ओके तो टोटल फोर्टी सिक्स होगा मतलब उसको ऐसा बढ़ो मुझे चार्ज का तो देना ही है तो ये रिवर्स चार्ज का दे रहा हो प्लस इसका क्रेडिट भी ले रहा हूं क्योंकि उसका क्रेडिट भी मिलता है तो रिवर्स चार्ज का दे रहा हूं और आउटपुट के अगेंस्ट में क्रेडिट भी ले रहा हूं तो आपके स्टेटमेंट में दो बार दिखना चाहिए आप पेमेंट कर रहे हो वो भी दिखना चाहिए रिवर्स चार्ज का और पेमेंट कर रहे हो तो उसका क्रेडिट भी मिल रहा है सेम मंथ में वो भी दिखना चाहिए तो आपका आउटपुट के अगेंस्ट में क्रेडिट मिल गया नेट आउटपुट टैक्स आपका ट्वेंटी एट है और आपका रिवर्स चार्ज का एटीन है ऐसा टोटल आपको जीएसटी इस बार जीएसटी आर थ्री बी में ओके फोर्टी सिक्स थाउजेंड पे करना है ये स्टेटमेंट समझ में आ गया होगा इसलिए जब भी आप प्रॉब्लम सॉल्व करोगे या मेरा क्वेश्चन है मैं प्रॉब्लम देखोगे तो आपको ऐसी दो एंट्री देखने मिलेगी आप पे भी कर रहे हो और उसका क्रेडिट भी ले रहे हो पे भी करे उसका क्रेडिट भी ले रहे ये समझा क्या ये बहुत समझा होगा तो आपका रिवर्स चार्ज का बेस फंडामेंटल कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया ये समझा होगा तो फोर टाइप करो ये समझा होगा तो फोर टाइप करो चलो ये फंडामेंटल्स फिर आपके क्लियर हो गए अब आता हूं मैं चार्ट पे चलिए अब फटाफट हम रिवर चार्ज देख लेते लेतेक्शन नाइन थ्री में गुड्स और सर्विस दोनों के रिवर्स चार्ज है पर हमें सिर्फ गुड्स के रिवर्स चार्ज देखना है सॉरी सर्विस uh, के रिवर्स चार्ज देखना है गुड्स के हमारे सिलेबस में नहीं है और आपको पूछे भी नहीं जाएगी जैसे कैशू नट्स वगैरह जो है एग्रीकल्चर से खरीदा और रजिस्टर पर्सन ने खरीदा तो वो केस में रिवर चार्ज होता है चलो फटाफट आ जाते हैं अब हम देखते हैं यहाँ पे पहला जी सर्विस ट्रांसपोर्ट ऑफ मोटर व्हीकल ठीक है जीटीए सर्विस तो देखो यहाँ पे ओके सभी आगे चार्ट में सर्विस इन रिलेशन टू ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स बाय रोड ओके सर्विस इन रिलेशन टू ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स बाय रोड बाय कौन दे रहा है सर्विस जीटीए पहली बात तो ये रिवर्स चार्ज ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स को ही लगेगा बोलो मेरे साथ ये रिवर्स चार्ज ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स को ही लगेगा सेकेंड ये बाय रोड को ही लगेगा बोलो मेरे साथ ये बाय रोड को ही लगेगा ओके मतलब अगर वेसल को रहा तो फॉरवर्ड चार्ज ओके रेल रहा तो फॉरवर्ड चार्ज बाकी सब मोड फॉरवर्ड चार्ज में सिर्फ रोड का ट्रांसपोर्टेशन होगा तो गवर्नमेंट ने रिवर्स चार्ज नोटिफाई किया है सर्विस प्रोवाइडर कौन जीटीए गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी मतलब वो एजेंसी जो कंसाइनमेंट नोट इशू कर रही है एक एजेंसी है जो नोट इशू कर रही है और रिसिपियन रिसिपियन में यहाँ पे देखिए ओके okay, रिसिपियन फैक्ट्री सोसाइटी कोऑपरेटिव सोसाइटी और एनी पर्सन रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी और बॉडी कॉर्पोरेट और फर्म एलएलपी एओपी और एनी सीटीपी कैजुअल टैक्सेबल पर्सन सिटी में मतलब कैजुअल टैक्सेबल पर्सन तो इसको मैं ऐसा इंटरप्रेट करता हूँ क्योंकि जब इन्होंने कह दिया एनी रजिस्टर्ड पर्सन अंडर जीएसटी मतलब जी टी ए ने कोई भी रजिस्टर्ड पर्सन पर्सन इंक्लूड्स ऑल कोई भी रजिस्टर्ड पर्सन अंडर जीएसटी को दिया तो रिवर्स चार्ज लगेगा और फिर बाकी जो है ओके ए बी सी ई एफ जी ये अगर अनरजिस्टर्ड हो गए क्योंकि एनी पर्सन में तो सब आ गए लेकिन फिर बाकी क्यों दिए गए हैं तो बाकी इसलिए कि अगर ये जो बाकी लोग हैं अगर हो गए तो भी चार्ज चार्ज लगेगा और में यहां पे उनको कंपलसरी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा मतलब क्या अगर कोई फैक्ट्री और अनरजिस्टर्ड है तो रिवर्स चार्ज लगेगा रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा सोसाइटी है कोऑपरेटिव सोसाइटी है बॉडी कॉर्पोरेट है फर्म है और कैजुअल टैक्सेबल पर्सन है तो वो केस में रिवर्स चार्ज लगेगा एक बात का ख्याल रखा जाए ओके okay. तो जीटीए जो है जीटीए कब लायबल होगा ओके okay, तो यहां पे बी केयरफुल ओके इन दिस एरिया ओके तो यहां पे जीटीए कब लायबल होगा एक मिनट ये इफ डिपार्टमेंट और एस्टेब्लिशमेंट गोके ये लिख देना है यहां पर इट्स एग्जाम इट्स एग्जाम इट्स एग्जाम यहाँ पे लिख देना चलो वो पॉइंट मैं आपको बताता हूँ पर यहाँ पे एक चार्ट देखते हैं ओके और चार्ट से समझने की कोशिश करते हैं ये जीटीए का चार्ट है और चार्ट से कोशिश करते हैं अब देखो एक प्रोविजो इसमें ऐड की गई है ओके इस बार अगर आपको याद होगा तो जीटीए को यहाँ पे दो ऑप्शन दिए ट्वेल्व परसेंट और यहाँ कितना फाइव परसेंट तो यहाँ पे एक अमेंडमेंट हुई और अमेंडमेंट में ओके यहाँ एक प्रोविजो जो है पहले क्या था पहले उन्होंने ऊपर दे दिया था कि ये रिवर्स चार्ज उनको अप्लीकेबल है जो जी टी परसेंट के लिए ऑफ्ट नहीं कर रहा है जो जी टी ट्वेल्व परसेंट के लिए ऑप नहीं कर रहा है उनको ये रिवर्स चार्ज अप्लीकेबल है लेकिन दोस्तों अब उन्होंने यहाँ पे एक स्पेशली ओके okay, वो ट्वेल्व परसेंट निकाल के प्रोविजो ऐड कर दिया है और प्रोविजो में ये कह दिया है यहाँ पे कि अगर कोई जी सुनना प्रोविजो में कह दिया अगर कोई जी टी पे फॉरवर्ड चार्ज लेना चाहता है तो वो ले सकता है अगर वो फॉरवर्ड चार्ज लेना चाहता है तो वो ट्वेल्व में जीएसटी देगा जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करवाएगा और ओके okay, अपने इनवाइस में डिक्लेरेशन भी देगा कि वो फॉरवर्ड चार्ज में जैसे कॉपीराइट सर्विस के केस में होता है वैसे यहां पे अप्लीकेबल होगा ओके okay, तो वो फॉरवर्ड चार्ज में यहां पे डिक्लेरेशन भी देगा इन द इनवाइस ओके चलिए तो ये जो था रिगार्डिंग टू यहां हमने देखा कि जीटीए को दो ऑप्शन है सॉरी uh, मेरा रिदम टूट रहा है एक बार फिर से हाँ वापस आता हूं अब मैं आपको एक बात बता दूं जी के लिए गवर्नमेंट ने फॉरवर्ड चार्ज इसलिए दिया क्योंकि बहुत सारी जी का ये कहना था कि नहीं ओके okay, हमें हमारा क्रेडिट जाता है क्योंकि मैंने आपको पढ़ाया कि सप्लायर का क्रेडिट जाता है रिवर चार्ज में तो बहुत सारे जीटीए कहने थे कि भाई मैं फॉरवर्ड चार्ज में रेडी हूं टैक्स देने के लिए अगर मैं फॉरवर्ड चार्ज में रेडी हूं तो मुझे ऑप्शन दो फॉरवर्ड चार्ज का तो गवर्नमेंट ने एट द ऑप्शन ऑफ जीटीए दोनों ऑप्शन दिए अगर कोई जी को फॉरवर्ड चार्ज लेना है तो वो फॉरवर्ड चार्ज में दे सकता है फॉरवर्ड चार्ज में दे सकता है वहां जो रेट होगा ओके okay, बताओ रेट क्या होगा फॉरवर्ड चार्ज में रेट होगा ट्वेल्व परसेंट ट्वेल्व परसेंट से जीएसटी लगेगा ओके okay, और ऐसे केस में यहाँ पे उसको जीटीए को रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा और इन uh, में डिक्लेरेशन भी देना पड़ेगा आई रिपीट इन्वाइस में डिक्लेरेशन भी देना पड़ेगा कि ही इज़ पेइंग द टैक्स अंडर फॉरवर्ड चार्ज ओके तो यहाँ पे uh, ये यह जो है पहले उन्होंने मेन एंट्री में क्वालिफाई किया था अब उन्होंने बस थोड़ा सा चेंज किया और वो क्या कि उन्होंने सेपरेट प्रोविजो ला के रख दी ओके पहले क्या था कि जीटीओ इज नॉट ऑप्टिंग फॉर ट्वेल्व परसेंट अब वो नॉट ऑप्टिंग फॉर ट्वेल्व परसेंट निकाल दिया और अब यहां पे जो है उन्होंने स्पेसिफिक प्रोविजो लेके आ गए ओके यहां पर कि भाई फॉरवर्ड चार्ज में लेगा दूसरा ऑप्शन जीटीए को रिवर्स चार्ज का ओके okay, यहाँ पे जी टी ए यहाँ विदाउट आई टी सी जी टी ए ये भी ऑप्शन ले सकता है कि उसको आई टी सी नहीं लेना है उसको आई टी सी नहीं लेना है तो पाँच परसेंट का रिवर्स चार्ज वो ले सकता है ओके okay, अगर वो पाँच परसेंट का रिवर्स चार्ज ले रहा है और वो नोटिफाइड पर्सन

जो रजिस्टर्ड नहीं है पर वो नोटिफाइड कैटेगरी में आ रहा है तो रिवर चार्ज लगेगा और उन लोगों को कंपलसरी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा लेकिन लेकिन अगर वो नोटिफाइड कैटेगरी में नहीं आ रहा है मतलब जीटीए जो सर्विस दे रहा है इंडिविजुअल को दे रहा है जिसकी फैक्ट्री नहीं है जीटीए अगर सर्विस एच को दे रहा है ओके देखो वो एच वगैरह इसमें कवर्ड नहीं है इंडिविजुअल वगैरह कवर नहीं है तो ऐसे इंडिविजुअल और एच को सर्विस दे रहा है जो नोटिफाइड कैटेगरी में नहीं आ रहा है तो वो सर्विस जो है एग्जम्प ही दे दिया है गवर्नमेंट ने ओके वहां पर एग्जम्पन ही दे दिया है तो ये था रिगार्डिंग टू जीटीए सर्विस हमने देखा गुड्स ट्रांसपोर्ट सर्विस से रिलेटेड ये समझाया नहीं समझा ठीक है तो यहां पे जी 12% ऑप्शन फॉरवर्ड चार्ज GTA फाइव परसेंट ऑप्शन रिवर्स चार्ज विदाउट विदीसी फिर GTA को आई टी सी नहीं मिलेगा पर रिवर्स चार्ज में रेट पांच परसेंट रहेगा GTA रजिस्टर्ड को देता है तो रिवर्स चार्ज ओके GTA अनरजिस्टर्ड को देता है और वो नोटिफाइड कैटेगरी में आते हैं तो रिवर्स चार्ज ओके रिवर्स चार्ज और जीटीए जो है यहां पर अगर ऐसे पर्सन को दे रहा है जो नोटिफाइड कैटेगरी में नहीं आ रहा है नोटिफाइड मतलब यहां पे फैक्ट्री सोसाइटी कोऑपरेटिव सोसाइटी पार्टनरशिप एओपी सीटीपी वगैरह उसमें नहीं आ रहा है और वो अनरजिस्टर्ड को दे रहा है तो वो केस में रहेगा समझा क्या आपको चलिए अब मैं यहां पे रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल ओके ये रिवर्स चार्ज ले रहा हूं अब देखो यहां पे रेंटिंग ऑफ एनी मोटर व्हीकल देखो यहाँ पे रेंटिंग ऑफ एनी मोटर व्हीकल डिजाइन टू कैरी पैसेंजर वेयर कॉस्ट ऑफ फ्यूएल इज इंक्लूडेड इन द कंसिडरेशन चार्ज सर्विस है रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल तो देखो यहां पे ट्रिगर पॉइंट क्या है ट्रिगर पॉइंट है रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल मोटर व्हीकल रेंट पे दिया सेकंड डिजाइन टू कैरी पैसेंजर होना चाहिए थर्ड कॉस्ट ऑफ फ्यूल इंक्लूडेड होना चाहिए इन अ कंसिडरेशन चार्ज सर्विस प्रोवाइडर एनी पर्सन अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट होना चाहिए और वो ट्वेल्व परसेंट वाला ऑप्शन नहीं लेना चाहिए मतलब बापरे ओके okay, एक दो तीन ओके सर्विस प्रोवाइडर एनी पर्सन अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट होना चाहिए ओके नेक्स्ट वो ट्वेल्व परसेंट वाला ऑप्शन नहीं लेना चाहिए और एनी बॉडी कॉर्पोरेट होगा तो रिवर्स चार्ज है बॉडी कॉर्पोरेट लोकेटेड इन अ टैक्सीबल टेरिटरी यहां रिवर्स चार्ज आएगा मतलब देखो एक चीज समझ लो ऐसा 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 होगा तो रिवर्स चार्ज अगर इसमें से एक भी वैसा नहीं होगा तो फॉरवर्ड चार्ज एक भी वैसा नहीं होगा तो फॉरवर्ड चार्ज और मैं आपको बता दूं मैं पढ़ा भी रहा हूं तो भी आपको एक बार रिलैक्स अच्छे से पढ़ना है या फिर आप पढ़ के आओगे तो आपको समझेगा अब देखो इसको मैं एनालाइज करता हूं स्टेप बाय स्टेप चलते हैं रिवर चार्ज के लिए सर आपने कहा रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल हां अगर सर मेरा गुड्स ट्रांसपोर्ट सर्विस होगा बाय रोड तो नहीं उसके लिए पहला वाला एंट्री लगेगा ये सिर्फ रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल पे लगेगा फिर मोटर व्हीकल दूसरा ये रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल ये सर मेरी पैसेंजर ट्रांसपोर्ट सर्विस होगी तो उसको भी नहीं लगेगा ओके पैसेंजर ट्रांसपोर्ट सर्विस देखो एक तो बस रेंट पे देना और एक बस से पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन करवाना अब व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बस रेंट पे देना और बस पैसेंजर ट्रांसपोर्ट सर्विस रेंट पे देना मतलब बस का कस्टडी आपने पूरा दे दिया बस का कस्टडी पूरा दे दिया ओके okay, अब कंपनी अपने हिसाब से और बस को चला रही है ओके okay, एम्प्लॉय को लेके जा रही है या बीस मार्च स्टूडेंट को लेके जा रहा है अपने हिसाब से उसमें कोई स्पेसिफाइड रूट नहीं है तो वो होगा रेंटिंग और पैसेंजर ट्रांसपोर्ट सर्विस मतलब ओके पूरा बस का कंट्रोल नहीं दिया रूट स्पेसिफाइड है भाई आपके स्टूडेंट आके बैठेंगे आपके एम्प्लॉय आके बैठेंगे स्पेसिफाइड रूट है स्टेशन है वहां स्टूडेंट उतर जाएगी वो पैसेंजर ट्रांसपोर्ट सर्विस हुई पैसेंजर ट्रांसपोर्ट सर्विस पे रिवर रिवर चार्ज चार्ज नहीं है रिवर चार्ज है रेंटिंग पे रेंटिंग पे रेंटिंग समझ में आ रहा है क्या जैसे ओला ओला से आप जब कैब बुक करते हो तो आपको ओके okay, कार का कंट्रोल नहीं मिलता है आप कार में बैठते हो पैसेंजर ट्रांसपोर्ट है आपके स्पेसिफाइड पॉइंट पे आपको उतार देंगे ओके okay. लेकिन ज़ूम से कार आप रेंट पे भी ले सकते हो फिर कार रेंट पे आ गई तो आप अपने हिसाब से चल सकते हो तो रेंटिंग और पैसेंजर ट्रांसपोर्ट सर्विस में डिफरेंस है ओके okay. रिवर चार्ज रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल पे ये पॉइंट समझाओगे तो वन टाइप करो सारे लोग ओके okay. ये ये जो है वन टाइप करो तो रेंटिंग अगर किसी ने अपना मोटर व्हीकल मेरे पास बस है कार है जो है मैंने रेंट पे दे दिया कंपनी को रेंट पे दे दिया कंपनी को ओके यहाँ पे या, या बसेस लगा दी वी स्मार्ट के स्टूडेंट्स के लिए रेंट पे दे दिया तो वो रेंटिंग को अप्लीकेबल होगा दूसरा ये रिवर चार्ज कब अपलीकेबल होगा ओके रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल डिजाइन टू कैरी पैसेंजर मतलब वो मोटर व्हीकल दिया जो पैसेंजर के लिए लाइक कार बस ओके एक्सेट्रा ऑटो ये पैसेंजर जा रहे हैं उसके लिए सर अगर मैंने वो मोटर व्हीकल रेंट पे दिया होगा जो गुड्स के लिए जैसे ट्रक रेंट पे दिया होगा ट्रैक्टर रेंट पे दिया होगा वहां रिवर चार्ज नहीं वहां फॉरवर्ड चार्ज ही है ओके रिवर चार्ज कब आएगा जब स्पेशली वो डिजाइन टू कैरी पैसेंजर होगा आई रिपीट डिजाइन टू कैरी पैसेंजर होगा उसके बाद में थर्ड थर्ड उसमें कॉस्ट ऑफ फ्यूल इंक्लूडेड है और कॉस्ट ऑफ फ्यूल नॉट इंक्लूडेड जैसे ओके okay, मैं कुछ सॉफ्टवेयर कंपनी को अपनी दस बसेस रेंट पे दे रहा हूँ और मैं कह रहा हूँ कि सर मंथली रेंट आएगा एक बस का यहाँ पे पचास हजार रुपए जिसमें फ्यूल कॉस्ट मेरी रहेगी कॉस्ट ऑफ फ्यूल इंक्लूडेड होना चाहिए तो रिवर्स है अगर कॉस्ट ऑफ फ्यूल इंक्लूडेड नहीं है उसके अंदर मैंने कहा कि सर मैं बसेस दे देता हूं फ्यूल आपका तो फिर रिवर्स चार्ज नहीं फिर फॉरवर्ड चार्ज में सप्लायर ही टैक्स देगा अगर कॉस्ट ऑफ फ्यूल इंक्लूडेड होगा तो ही रिवर्स होगा तो देखो कॉस्ट ऑफ फ्यूल इंक्लूडेड होगा तो रिवर्स होगा अब उसके बाद में अगर सप्लायर ऑफ सर्विस एनी पर्सन अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट होगा तो रिवर्स मतलब अगर सप्लायर इंडिविजुअल हो हो जो अपनी कार रेंट रेंट पे पे दे रहा पे दे रहा रहा है है बसेस ओके एंड अनऑर्गेनाइज सेक्टर है और कार बसेस रेंट पे दे रहा है तो रिवर्स है बेटा यहां पे तो रिवर्स है ओके अगर तो ये जो रेंट पे देने वाला खुद बॉडी कॉर्पोरेट होगा कंपनी होगा तो फिर फॉरवर्ड है ओके अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट और अगर ये रिसिपियन और बॉडी कॉर्पोरेट को दिया तो रिवर्स है ओके यानी इज बॉडी कॉर्पोरेट इन टैक्सेबल टेरिटरी तो रिवर्स है मतलब अनऑर्गेनाइज सेक्टर ने बॉडी कॉर्पोरेट को दिया तो रिवर्स है

पे बहुत सारे पैरामीटर्स पे मैंने चार्ट में लिया ओके लेकिन इसके बाद आप ठीक है तो रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल हमने देखा अब नेक्स्ट आते बेटा यहां पे चलो आ जाओ नेक्स्ट लीगल सेक्टर पे नेक्स्ट रिवर चार्ज रिवर्स से, लीग, लीग, लीगल सेक्टर पे आ गए सारे लोग चलो नेक्स्ट अब यहां पे देखेंगे तो अप्लीकेबल है सर्विस अब लीगल सर्विस है लीगल सर्विस की डेफिनेशन अगर आप देखते हो तो सर्विस प्रोवाइडेड इन ओके इन लाइक एडवाइस कंसल्टेंसी असिस्टेंस इन एनी ब्रांच ऑफ लॉ ओके कोई भी लॉ के तहत एडवाइस दिया गया कंसल्टेंसी दिया गया ओके okay, या कोर्ट में रिप्रेजेंट किया गया तो वो लीगल सर्विस बोली जाएगी और यूवर चार सिर्फ लीगल सर्विस को है तो लीगल सर्विस प्रोवाइडेड बाय एन इंडिविजुअल और सीनियर और फर्म ऑफ एडवोकेट यानी इंडिविजुअल एडवोकेट या फर्म ऑफ एडवोकेट या सीनियर एडवोकेट इन्होंने लीगल सर्विस दी टू किसको टू बिजनेस एंटिटी को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली तो रिवर चार्ज में बिजनेस एंटिटी लोकेटेड इन अ टैक्सेबल टेरिटरी लाइबल रहेगा ओके चलो इसका एनालिसिस करते हैं और एनालिसिस के साथ थोड़ा एग्जामेशन अभी रेफर भी कर लेता हूं बाद में याद आएगा ओके okay, अब देखो ये जो मैंने चार्ट दिया है ओके आर सी और फॉरवर्ड चार्ज ओके okay, यहां पे ध्यान से देखिएगा ओके आर सी एम यहां लिख दो अगर आपके नोट्स में होगा तो अच्छी बात अदरवाइज लिख दो इफ ऑल कंडीशन आर फुलफिल्ड ऑल कंडीशन आर फुलफिल्ड तो आरसीएम लगेगा फॉर फॉरवर्ड चार्ज क्या इफ एनी ऑफ द कंडीशन इफ एनी ऑफ द कंडीशन एनी ऑफ द कंडीशन नॉट फुलफिल्ड नॉट फुलफिल्ड ओके तो आर सी एम अगर नोट्स में होगा तो अच्छी बात है नहीं तो लिख लो अगर ये चारों कंडीशन फुलफिल होगी तो आरसीएम है अगर इसमें से एक भी कंडीशन फुलफिल नहीं होगी तो फॉरवर्ड चार्ज है फॉर एग्जाम्पल ओनली लीगल सर्विस प्रोवाइडेड बाय एडवोकेट होना चाहिए आरसीएम अगर आपको कंसिडर करना है तो लीगल सर्विस प्रोवाइडेड बाय एडवोकेट मतलब क्या अगर एडवोकेट अदर सर्विस दे रहा है अदर सर्विस मतलब एडवोकेट रेंटिंग ऑफ रिमुवेबल प्रॉपर्टी दे रहा है एडवोकेट डांस सर्विस दे रहा है एडवोकेट कोई भी सर्विस दे रहा होगा दूसरी कोई भी सर्विस होगी एडवोकेट की तो वो फॉरवर्ड चार्ज में रहेगी अगर एडवोकेट की लीगल सर्विस होगी तो ही रिवर्स चार्ज और ख्याल रहे ये एडवोकेट ने देना चाहिए सी दे रहा होगा तो रिवर्स चार्ज नहीं फॉरवर्ड ही है ओके सीएम दे रहा होगा तो फॉरवर्ड ही है एडवोकेट देगा तो ही रिवर्स है और एडवोकेट लीगल सर्विस देगा तो ही रिवर्स है ओके ये समझा क्या दूसरा सर्विस मस्ट बी सप्लाइड बाय इंडिविजुअल एडवोकेट और सीनियर एडवोकेट और फॉर्म ऑफ एडवोकेट यानी सर्विस जो है एडवोकेट ने देना चाहिए मतलब अगर लीगल सर्विस सुनो अगर लीगल सर्विस यहाँ पे एडवोकेट कंपनी ने दिया जैसे यहाँ पे रिवर चार्ज का इंडिविजुअल एडवोकेट होना चाहिए सीनियर एडवोकेट होना चाहिए या फॉर्म ऑफ एडवोकेट होना चाहिए अगर एडवोकेट कंपनी होगी कोई लीगल कंसल्टेंसी कंपनी होगी तुम्हारी वहां रिवर्स चार्ज नहीं वहां फॉरवर्ड चार्ज ही लगेगा या सी ए सी एस सी एम या अदर कंसल्टेंट हो गए तो फॉरवर्ड चार्ज ही लगेगा उसके बाद में सर्विस सप्लाई टू बिजनेस एंटिटी होगी बिजनेस एंटिटी को दिया तो रिवर्स चार्ज है ओके अब मैं आगे आपको एक्जाम्शन पढ़ाऊंगा आगे दो एग्जाम्शन है एग्जाम चैप्टर में अगर बिजनेस एंटिटी का एग्रीगेट एग्रीगेटर बिलो होगा इन प्रेसिडिंग फाइनेंशियल ईयर तो वो केस में exempt है रिवर चार्ज नहीं लगेगा या नॉन बिजनेस एंटिटी को दिया तो एग्जाम है या गवर्नमेंट को दिया लीगल सर्विस तो एग्जाम है मतलब इन शॉर्ट अगर अभी आप समझना चाहते हो कि अगर ये सर्विस वो बिजनेस एंटिटी को दिया जिसका एग्रीगेट टर्न ओवर ऑफ प्रेसिडिंग फाइनेंशियल ईयर सुनना जिसका एग्रीगेट टर्न ओवर फाइनेंशियल ईयर थ्रेशोल्ड से ज्यादा जा, था तो उनको रिवर्स चार्ज है बाकी सबको एग्जाम्शन है बाकी मैं एग्जाम्शन में लूंगा नॉन बिजनेस एंटिटी को एग्जाम है गवर्नमेंट को दिया तो एग्जाम है अदर एडवोकेट को दिया तो एग्जाम है हम एग्जम्पन चैप्टर में कवर करेंगे उसके बाद में रिसिपियन ओके इज लोकेटेड इन अ टैक्सेबल टेरिटरी ध्यान रहे रिसिपियन इज लोकेटेड मतलब जो बिजनेस एंटिटी को दिया जा रहा है वो टैक्सेबल टेरिटरी का होना चाहिए सर अगर वो इंडिया के बाहर होगा तो अगर वो इंडिया के बाहर होगा तो फिर रिवर चार्ज नहीं लगेगा वो केस में फॉरवर्ड चार्ज लगेगा पर हमने बाहर वाले को सर्विस दिया इसलिए तो वो एक्सपोर्ट सर्विस में आ सकता है और जीरो रेट मिल सकता है लेकिन रिवर चार्ज लगाना है तो रिसिपियन ओके okay, कहा होना चाहिए टैक्सेबल टेरिटरी में तो ये टेबल को कैसा पढ़ोगे आप ऐसा 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 होगा तो रिवर्स इसमें से एक भी नहीं हुआ तो फॉरवर्ड ओके okay, ये समझा क्या ये ऐसा ऐसा समझा गया आपको अगर ये समझा ये पूरा होगा तो एल टाइप करो लीगल सर्विस का ये एल टाइप करो और जितने भी स्टूडेंट कनेक्टेड अभी है या बाद में मुझे देखेंगे ओके okay, एक चीज आपको करना है बेटा पूरी मेहनत से आपको पढ़ा रहा हो बस आपको क्या दबाना है अगर अच्छा लगा तो लाइक का बटन दबाना है यस और नो चलो

ठीक है यहां पे सप्लाई ऑफ सर्विस बाय गवर्नमेंट और लोकल अथॉरिटी तो देखो ये दोनों एंट्री मैं साथ में लेता हूं ओके ये दोनों एंट्री मैं साथ में लेता हूं और यहां पे ये एंट्री में एक अमेंडमेंट करेक्शन कर लो ये रह गई है पर आप ये करेक्शन कर लेना रेंटिंग ऑफ रिमुएबल प्रॉपर्टी सर्विस बाय डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ये तो हो गया यहां पे डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट और ये अब देखो ये चार्ट में अगर कोई भी सर्विस एनी सर्विस यहां पे गवर्नमेंट ने दी टू तो बिजनेस एंटिटी सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट लोकल ऑथोरिटी टू तो बिजनेस एंटिटी न टैक्सेबल टेरिटरी तो रिवर्स चार्ज लगेगा हाँ उसमें कुछ एग्जाम्शन है हम एग्जाम्शन बाद में देखेंगे पर पहला थॉट कोई भी सर्विस अगर गवर्नमेंट को दिया गया सॉरी गवर्नमेंट ने दिया किसको दिया बिजनेस एंटिटी को दिया तो रिवर्स चार्ज मैं डायरेक्ट चार्ट ले रहा हूं लेकिन ओके सर्विस प्रोवाइड बाय द गवर्नमेंट बाय डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ये आप क्रॉस कर दो ये रिमूव हो गया है ओके okay, मैंने ऊपर से तो रिमूव कर दिया अमेंडमेंट लेकिन चार्ट में रह गया मेरा ओके okay, तो अब पहले क्या था डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट अगर चार सर्विसेज दे रहे। अगर ये आपके चार्ट में नहीं होगा तो अच्छी बात है चार्ट में होगा तो ये रिमूव कर देना अगर डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट यहां पे पे चार सर्विसेज देता था तो यहां फॉरवर्ड चार्ज था अब ऐसा नहीं है अब ऐसा है कि डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट कोई भी सर्विस दे सब्जेक्ट टू एग्जामेशन में देखेंगे डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट कोई भी सर्विसेज दे ऑनली नॉट फॉर एनी सर्विस बाय डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट फॉरवर्ड चार्ज में या सर्विस इन रिलेशन टू वेसल और एयरक्राफ्ट ओके एट पोर्ट यानी अगर गवर्नमेंट वेसल और एयरक्राफ्ट से रिलेटेड सर्विस पोर्ट पे देती है तो वो केस में फॉरवर्ड चार्ज है और गुड्स और पैसेंजर ट्रांसपोर्ट सर्विस अगर गवर्नमेंट देती है तो फॉरवर्ड चार्ज है ओके okay, और तीसरा तीसरा इंपॉर्टेंट ये एग्जाम में बहुत सी बार पूछा जाता है रेंटिंग ऑफ इमूबल प्रॉपर्टी बाय गवर्नमेंट और लोकल अथॉरिटी अगर रेंटिंग ऑफ इमोबल प्रॉपर्टी रजिस्टर्ड पर्सन को दिया

सेकंड यहां पे ओके okay, अगर तीन सर्विसेज डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट की आप आप सारी सर्विसेज या फिर वेसल और एक से रिलेटेड या गुड्स और पैसेंजर ट्रांसपोर्ट की सारी सर्विसेज गवर्नमेंट देती है तो गवर्नमेंट फॉरवर्ड चार्ज में टैक्स देगी गवर्नमेंट फॉरवर्ड चार्ज में टैक्स देगी और रेंटिंग ऑफ इमूबल प्रॉपर्टी अगर गवर्नमेंट दे रहा है रजिस्टर्ड को दे रहा है तो रिवर्स चार्ज और अनरजिस्टर्ड को दे रहा है तो फॉरवर्ड चार्ज चलो ओके ये समझा क्या आपको चलिए नेक्स्ट यहां पे ओके okay, ये हमने देखा अब आ जाओ आप कंस्ट्रक्शन सर्विस सेक्टर में कंस्ट्रक्शन सर्विस में ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं कीपिंग प्रायोरिटी सी अगर यहां पे कोई ट्रांसफर ऑफ डेवलपमेंट राइट्स या एफ है फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ प्रोजेक्ट मतलब मैं अपने डेवलपमेंट राइट दे रहा हूँ या एफ एस आई दे रहा हूँ फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ प्रोजेक्ट और वो प्रोमोटर को दिया जा रहा है मतलब बिल्डर को दिया जा रहा है तो रिवर चार्ज में वो डेवलपमेंट राइट जो सर्विस है या एफ एस आई दिया जा रहा है जो सर्विस है और वो मैं प्रोमोटर को दे रहा हूँ तो रिवर चार्ज में प्रोमोटर लाइबल रहेगा या लॉन्ग टर्म लीज होगी तीस साल के ऊपर और मैंने अपने लैंड की लॉन्ग टर्म लीज फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ प्रोजेक्ट दी होगी और प्रोमोटर को दिया होगा तो रिवर चार्ज में प्रोमोटर लाइबल रहेगा चलो ये हमने देखा नौ दोस्तों कंस्ट्रक्शन सेक्टर में अब देखो यहां पे नाइन फोर भी है सेक्शन नाइन फोर क्या कहता है नाइन फोर यहां पर यह कहता है आ, हाँ कंस्ट्रक्शन सेक्टर में नाइन थ्री है नाइन थ्री में हमने देख लिया कंस्ट्रक्शन में रिवर चार्ज में प्रमोटर पे लाइबिलिटी तब आएगी जब कंस्ट्रक्शन ऑफ प्रोजेक्ट है जहां ओके डेवलपमेंट राइट्स ट्रांसफर हुए या एफएसआई ट्रांसफर हुए या फिर लॉन्ग टर्म लीज तीन साल तीस साल के ऊपर दी और ये प्रमोटर को दिया तो रिवर चार्ज में लाइबिलिटी जो है प्रमोटर पे आएगी सेक्शन नाइन फोर नाइन फोर की क्या ओके यूनिक फीचर थे कि सप्लायर अनरजिस्टर्ड होना चाहिए सप्लाय स्पेसिफाइड कैटेगरी ऑफ सप्लाई होना चाहिए और उसके बाद में रिसिपियन जो है रजिस्टर्ड होना चाहिए और स्पेसिफाइड रजिस्टर्ड होना चाहिए तो रिवर्स आ जाएगा तो चलो कंस्ट्रक्शन सेक्टर का हम डिस्कस कर रहे हैं तो नाइन फोर भी यहाँ पे डिस्कस कर रहे थे नाइन फोर में ओनली थ्री सप्लाई नोटिफाइड है कमा नाइन फोर में ओनली थ्री सप्लाई नोटिफाइड है कौन से थ्री सप्लाई नोटिफाइड है पहला तीनों भी कंस्ट्रक्शन सेक्टर के अगर यहाँ पे जो यहाँ ओके वैल्यू ऑफ इनपुट और इनपुट सर्विस परचेज फॉर रजिस्टर्ड ओके फ्रॉम रजिस्टर फॉर सप्लाई लेस देन देसेंट तो वो केस में जितना भी शॉर्ट हुआ वो केस में प्रमोटर लायबल होगा समझ लो कोई प्रोजेक्ट के लिए ओके गवर्नमेंट ने थ्रू नोटिफिकेशन रिस्ट्रिक्शन लगाया हुआ है कि एट्टी परसेंट परचेज बिल्डर की बिल्डर प्रोमोटर यानी बिल्डर बिल्डर की एट्टी परसेंट परचेज फॉर दैट प्रोजेक्ट ऑफ इनपुट और इनपुट सर्विसेज एट्टी परसेंट परचेज किससे होनी चाहिए रजिस्टर्ड से होनी चाहिए अगर

यहां पे किया है और यहां पे 80 परसेंट कंप्लीट नहीं किया सिर्फ 70 परसेंट किया तो गैप कितना आया आया 10 कितना 10 10 गैप कितना तो ये 10 पे रिवर्स चार्ज में प्रमोटर को जीएसटी देना पड़ेगा 30 पे नहीं आप ऐसा मत करना 20 प्लस 10 20 तो अलाउड ही है 80 परसेंट होने के लिए जो गैप आएगा वो गैप पे रिवर्स चार्ज में उस इनपुट और इनपुट सर्विस पर प्रमोटर को जीएसटी देना पड़ेगा इज इट क्लियर ओके तो जो गैप रहेगा दूसरा दूसरा ओके okay, ये इनपुट और इनपुट सर्विस में अगर सीमेंट होगा सीमेंट एक रुपए का भी खरीदो सीमेंट एक रुपए का भी खरीदो किससे अनरजिस्टर्ड से और किसने खरीदा प्रोमोटर जो रजिस्टर्ड है तो एक रुपए का भी सीमेंट खरीदा होगा ओके okay, अनरजिस्टर्ड से तो रिवर चार्ज में प्रोमोटर जो बिल्डर है उसके पर जीएसटी आएगा और कैपिटल गुड्स एक रुपए का भी खरीदा अनरजिस्टर्ड से तो रिवर चार्ज में प्रोमोटर पर जीएसटी आएगा मतलब क्या कैपिटल गुड्स अनरजिस्टर से कुछ भी खरीदा हो रिवर चार्ज सीमेंट अनरजिस्टर से कुछ भी खरीदा हो रिवर चार्ज और बेटा ये छोड़ के बाकी जो इनपुट और इनपुट सर्विसेज है सुनना ये छोड़ के बाकी जो भी इनपुट और इनपुट सर्विसेज है वो ओके okay, यहाँ पे 20 परसेंट अनरजिस्टर से अलाउड है और 80 परसेंट रजिस्टर से होना चाहिए अगर रजिस्टर से जो कहा गया उसमें शॉर्ट हुआ एंड 80 परसेंट से कितने जितना भी कम हुआ तो वो जो गैप है वो रिवर चार्ज में आएगा तो ये था सेक्शन 94 मैंने 94 फोर यहाँ यही कवर कर लिया चलिए नेक्स्ट आ जाओ बेटा इंश्योरेंस एंड बैंकिंग सर्विसेज में नेक्स्ट आ जाओ इंश्योरेंस एंड बैंकिंग सर्विसेज इंश्योरेंस एजेंट सुनना इंश्योरेंस एजेंट अगर सर्विस दे रहा है इंश्योरेंस कंपनी को सर्विस बाय इंश्योरेंस एजेंट देखो चार्ज सिर्फ इंश्योरेंस एजेंट के केस में लगेगा और वो अगर इंश्योरेंस कंपनी को सर्विस दे रहा है तो इंश्योरेंस एजेंट के कमीशन पे रिवर चार्ज में इंश्योरेंस कंपनी टैक्स देगी ओके इंश्योरेंस कंपनी टैक्स देगी तो इंश्योरेंस कैरिंग द लाइफ इंश्योरेंस या जनरल इंश्योरेंस बिजनेस वो टैक्स देगी चलो इसको हम ऐसा पढ़ते हैं ओके okay, यहां आप अपने खुद नहीं लिखना आर लिखो यहां पे आर सभी जगह जहां भी ऐसा टेबल दिखेगा आर आगे लिखो इफ ऑल कंडीशन आर फुलफिल्ड इफ ऑल कंडीशन आर फुलफिल्ड और फॉरवर्ड चार्ज अगर आपके नोट्स में होगा तो ठीक नहीं तो लिखना फॉरवर्ड चार्ज इफ एनी ऑफ द कंडीशन नॉट फुलफिल्ड एनी ऑफ द कंडीशन नॉट फुलफिल्ड मतलब क्या ओनली सर्विस सप्लाइड बाय इंश्योरेंस एजेंट टू इंश्योरेंस कंपनी रिवर्स चार्ज में मतलब इंश्योरेंस कंपनी को बाकी लोग भी सर्विस देते हैं जैसे एक्चुअली सर्विस देता है और अदर लोग सर्विस देते हैं वो रिवर्स चार्ज में नहीं है सिर्फ इंश्योरेंस एजेंट की सर्विस रिवर्स चार्ज में नेक्स्ट इंश्योरेंस एजेंट के पास लाइसेंस होना चाहिए एज अ एजेंट रिवर चार्ज है अब बहुत सारी ऑनलाइन कंपनी है जो इंश्योरेंस कंपनी को सपोर्ट करती है पर उनके पास लाइसेंस नहीं है अगर इंश्योरेंस एजेंट के लाइसेंस नहीं है तो रिवर चार्ज अप्लाई नहीं होगा ओके रिवर चार्ज तभी अप्लाई होगा जब इंश्योरेंस लाइसेंस इंश्योरेंस एजेंट ओके ये सर्विस दे रहा है और इंश्योरेंस कंपनी को दे रहा है अगर बहुत से ऑनलाइन पोर्टल जिनके पास लाइसेंस नहीं है और वो इंश्योरेंस कंपनी को सर्विस दे रहे हो तो फॉरवर्ड चार्ज में खुद ही जीएसटी पे करेंगे उसके बाद में नेक्स्ट रिकवरी एजेंट बहुत सारे बैंक के रिकवरी एजेंट्स होते हैं क्योंकि लोन दिया जाता है जब इंस्टॉलमेंट नहीं मिलती है इंस्टॉलमेंट नहीं मिलती है तो रिकवरी की जाती है तो रिकवरी एजेंट होगा यहां पे सुनिएगा रिकवरी एजेंट होगा तो वो केस में अगर किसी रिकवरी एजेंट ने बैंकिंग कंपनी या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या एनबीएफसी को सर्विस दिया इना टैक्सेबल टेरिटरी इनर टैक्स ये बहुत इंपॉर्टेंट है इनर टैक्सेबल टेरिटरी तो रिवर चार्ज में बैंकिंग कंपनी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और एनबीएफसी टैक्स देगी मतलब रिकवरी एजेंट क्या इनको लोन रिकवर करके देता है तो वो लोन रिकवर करके देता है तो कमीशन लेता है बैंक से तो बैंक इसका टैक्स वो रिकवरी एजेंट नहीं देगा बैंकिंग कंपनी देगी ना उसके बाद में मेंबर्स मेंबर्स ऑफ ऑफ ओवरसिंग ओवरसिंग कमेटी कमेटी ओके ओके मतलब क्या okay, एक कमेटी होती है ओवरसिंग कमेटी जो आरबीआई को सर्विस देती है तो ये मेंबर ऑफ ओवरसिंग कमेटी आरबीआई को सर्विस देती है तो रिवर चार्ज में आरबीआई लायबल रहेगा ओके okay, ये तो लर्न ही करना पड़ेगा ऑप्शन ही नहीं है उसके बाद में इंडिविजुअल डायरेक्ट सेलिंग एजेंट ये सेलिंग एजेंट अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट पार्टनरशिप फॉर्म एल एल पी अब ये इंडिविजुअल डायरेक्ट सेलिंग एजेंट क्या होते हैं जो बैंक के लोन प्रोडक्ट होते हैं भाई ये लोन है होम लोन है ऑटो लोन है फिर होम लोन में भी अलग अलग टाइप है इनको प्रमोट करने के लिए इनको प्रमोट करने के लिए ध्यान से सुनना ओके okay, यहां पे जो लोन है और उनको प्रमोट करने के लिए बैंक प्राइवेट एजेंट्स को अपॉइंट कर, करती है कि हमारे लोन को प्रमोट करो लोगों में लेके जाओ हम आपको कमीशन देंगे तो इंडिविजुअल डायरेक्ट सेलिंग एजेंट होगा पहली बात तो वो इंडिविजुअल होना चाहिए बैंक का सेलिंग एजेंट होना चाहिए अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट होगा और सर्विस किसको दे रहा है बैंकिंग प्रोडक्ट को ए, प्रमोट कर रहा है या एनबीएफसी के प्रोडक्ट को प्रमोट कर रहा है तो वो केस में रिवर्स चार्ज बैंकिंग कंपनी और एनबीएफसी पे आएगा चलो इसको एनालिसिस कर लेते हैं यहां लिख देना आरसीएम इफ ऑल आर फुलफिल्ड फॉरवर्ड चार्ज ओके फॉरवर्ड चार्ज इफ एनी ऑफ द कंडीशन नॉट फुलफिल पहला देखो आरसीएम आरसीएम इज ओनली सर्विस इज सप्लाइड इंडिविजुअल डीएसए ओके देखो वो जो डीएसए होना चाहिए वो इंडिविजुअल होना चाहिए तो ये आरसीएम होगा मतलब अगर वो डीएसए बॉडी कॉर्पोरेट होगा पार्टनरशिप फॉर्म होगा तो फॉरवर्ड चार्ज दूसरा रिसिपियंट बैंकिंग कंपनी और एनबीएफसी होनी चाहिए मतलब अगर यहां पे रिसिपियंट दूसरी कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होगा या एनी अदर पर्सन होगा तो फिर फॉरवर्ड चार्ज ओके और रिसिपियन इन अ टैक्सेबल टेरेटरी होना चाहिए तो रिवर्स अगर वैसा नहीं हुआ तो फॉरवर्ड ठीक है उसके बाद में बिजनेस फैसिलिटेटर ओके टू बैंकिंग कंपनी लोकेटेड इन अ टैक्सेबल टेरिटरी अब ये बिजनेस फैसिलिटेटर क्या होते हैं ओके okay, जैसे ये डायरेक्ट सेलिंग जो एजेंट जो होते हैं सुनिए ध्यान से ये डायरेक्ट सेलिंग एजेंट जो होते हैं वो ओनली लोन को प्रमोट करते हैं बिजनेस फैसिलिटेटर एक स्पेशल लाइसेंस होता है बैंकिंग और इंश्योरेंस सेक्टर में जो बैंक के सारे प्रोडक्ट को सेविंग अकाउंट को एफडी अकाउंट को लोन अकाउंट को या फिर बोर का क्रेडिट वर्दिनेस ऐसी बहुत सारी सर्विसेस बैंकिंग सेक्टर को देते हैं तो अगर कोई भी बिजनेस फैसिलिटेटर बैंकिंग कंपनी को सर्विस देगा सुनना कोई भी बिजनेस फैसिलिटेटर बैंकिंग कंपनी को सर्विस देगा तो वो केस में रिवर्स चार्ज बैंकिंग को है अब देखो आप बैंक के केस में कितने रिवर्स चार्ज है और ये लर्न करना पड़ेगा इंश्योरेंस एंड बैंकिंग सेक्टर इंश्योरेंस एजेंट इंश्योरेंस कंपनी को देगा तो रिवर्स चार्ज है रिकवरी एजेंट तीन लोगों को देगा बैंकिंग कंपनी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और एनबीएफसी तो रिवर्स चार्ज है लेकिन वही अगर आप इंडिविजल डायरेक्ट सेलिंग एजेंट देखोगे तो इसमें फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन नहीं है इसमें सिर्फ बैंकिंग और एनबीएफसी है तो रिवर चार्ज है अगर वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन देगा तो फॉरवर्ड चार्ज है याद रखने में दिक्कत जाती है पर ऑप्शन नहीं है बेटा याद करना ही पड़ेगा कि ये इसको सर्विस देगा तो रिवर तो यहाँ तीन लोगों को रिवर चार्ज है यहाँ तीन लोगों को रिवर चार्ज है तो यहाँ दो लोगों को ये बैंकिंग और एनबीएफसी और तुम बिजनेस फैसिलिटेटर देखोगे तो यहाँ तो सिर्फ बैंकिंग कंपनी है अगर बिजनेस फैसिलिटेटर बैंकिंग कंपनी को सर्विस दे रहा है ओके बैंकिंग कंपनी को सर्विस दे रहा है तो रिवर्स चार्ज है ओके okay. तो ये हमने यहां पे देखा चलो एजेंट ऑफ बिजनेस करस्पॉन्डेंट एजेंट ऑफ बिजनेस करस्पॉन्डेंट अगर कोई बिजनेस करस्पॉन्डेंट है ये भी बैंकिंग सेक्टर का एक पर्सन होता है बिजनेस करस्पॉन्डेंट उसके एजेंट अगर ओके बिजनेस करस्पॉन्डेंट को सर्विस दे रहा है तो केस में रिवर्स चार्ज है तो देखो ये हमने कुछ रिवर्स चार्ज देखे यहां पर अब आ जाओ कुछ और रिवर्स चार्ज फटाफट ओके स्पॉन्सरशिप सर्विस इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम स्पॉन्सरशिप सर्विस अगर कोई स्पॉन्सरशिप सर्विस दे रहा है अगें स्पॉन्सर्ड अमाउंट जैसे दिस प्रोग्राम इज स्पॉन्सर्ड बाय पतंजलि तो पतंजलि सर्विस प्रोवाइडर नहीं है वो न्यूज चैनल या वो जिसमें कलर टीवी वगैरह जो सर्विस दे रहा है स्पॉन्सरशिप उसको प्रमोट कर रहा है वो सर्विस प्रोवाइडर है पतंजलि स्पॉन्सर्ड अमाउंट दे रहा है वो रिसिपियंट है तो एनी सर्विस ओके सॉरी स्पॉन्सरशिप सर्विस प्रोवाइडेड बाय एनी पर्सन प्रोवाइडर कोई भी हो लेने वाला अगर बॉडी कॉर्पोरेट या पार्टनरशिप फॉर्म होगा तो रिवर चार्ज में बॉडी कॉर्पोरेट और पार्टनरशिप फॉर्म इन अ टैक्सेबल ट्रेविड टैक्स देगा नाउ इसको कैसे पढ़ना आरसीएम वहां लिख दो आरसीएम ऑल कंडीशन आर फुलफिल्ड और फॉरवर्ड चार्ज इफ एनी ऑफ द कंडीशन इज नॉट फुलफिल देखो ये रिवर्स चार्ज स्पॉन्सरशिप सर्विस को है एडवर्टाइजमेंट मार्केटिंग नहीं सर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्पॉन्सरशिप एंड एडवर्टाइजमेंट स्पॉन्सरशिप मतलब कोई इवेंट है इवेंट को पैसा दिया गया और वो इवेंट में उस बंदे का ओके okay, उस बंदे के प्रोडक्ट स्पॉन्सर किया जा रहा है उसको स्पेशल एडवर्टाइजमेंट नहीं है मार्केटिंग नहीं है एक स्पेसिफिक इवेंट में उसको यहाँ पे स्पॉन्सर्ड अमाउंट के अगेंस्ट में यहाँ पे प्रमोट किया जा रहा है तो वहां यहाँ पे रिवर चार्ज है मार्केटिंग और एडवर्टाइजमेंट सर्विस का रिवर चार्ज नहीं सप्लायर कोई भी रहे सप्लायर रहे, 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 को नहीं देखना है, इनी okay. अगर body, और होगा, तो रिवर चार्ज अगर स्पॉन्सरशि सर्विस लेने वाला इंडिविजुअल है एच है ट्रस्ट है तो फिर फॉरवर्ड चार्ज बॉडी कॉर्पोरेट या पार्टनरशिप फॉर्म होगा तो ही रिवर्स चार्ज होगा और वो टैक्सेबल टेरिटरी में होगा तो ही रिवर्स चार्ज होगा नेक्स्ट यहां पे डायरेक्टर ओके नेक्स्ट यहां पे डायरेक्टर अगर बॉडी कॉर्पोरेट को सर्विस देता है तो रिवर्स चार्ज ओके अपने ही कंपनी को सर्विस देता है तो रिवर्स चार्ज यहां पे एक क्लैरिफिकेशन अच्छा है जो जरूर पढ़ के जाना वो क्लैरिफिकेशन है कि अगर आपका टीडीएस इनकम टैक्स में सुनना अगर आपका टीडीएस इनकम टैक्स में एज अ सैलरी डिडक्ट हुआ होगा तो फिर वो जीएसटी में नहीं आता है क्योंकि वो सर्विस बाय एम्प्लॉय टू एम्प्लॉय समझ लो मैं डायरेक्टर हूं और मैं डायरेक्ट मुझे कंपनी से रेमरेशन मिल रहा है और मेरा टीडीएस इनकम टैक्स एक्ट में सेक्शन 192 में अ सैलरी डिडक्ट हुआ है तो अगर सेक्शन 192 में अ सैलरी डिडक्ट हुआ है तो वो इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट है वहां पे जीएसटी नहीं आएगा नो फॉरवर्ड चार्ज नो रिवर्स चार्ज लेकिन वो डायरेक्टर को जो कंपनी से पैसा मिला है उसका टीडीएस सेक्शन वन जे में डिडक्ट हुआ है एज अ प्रोफेशनल सर्विस तो फिर ओके okay, वो सर्विस मानी जाएगी और वो रिवर्स चार्ज में उसका टैक्स कंपनी देगी रिवर्स चार्ज में उसका टैक्स कंपनी देगी तो वो क्लैरिफिकेशन अच्छा है वो जरूर पढ़ के जाइएगा ठीक है उसके बाद में ओके okay, यहां पे सिक्योरिटी सर्विसेज अब सिक्योरिटी सर्विसेज देखो क्या सप्लाई ऑफ सिक्योरिटी सर्विसेज एज अ सिक्योरिटी पर्सनल ओके एनी सप्लायर कौन एनी पर्सन अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट टू रजिस्टर्ड पर्सन अंडर जीएसटी तो रिवर्स चार्ज आ जाएगा अदर देन गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ओके okay, तो यहां पे देखो अगर सिक्योरिटी सर्विसेज दी जिसमें पर्सन दिए गए मतलब वॉचमैन सिक्योरिटी गार्ड बॉडी गार्ड ओके सर्विस दिया पर सप्लायर एनी पर्सन अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट होना चाहिए मतलब अगर कंपनी सिक्योरिटी सर्विस दे रही है तो फॉरवर्ड चार्ज लेकिन कंपनी छोड़कर कोई भी सिक्योरिटी सर्विस दे रहा है जिसमें वॉचमैन सिक्योरिटी गार्ड बॉडी गार्ड वगैरह दिया तो वो केस में फॉरवर्ड और रिवर्स चार्ज आएगा सर्विस लेने वाला अगर रजिस्टर्ड पर्सन होगा तो रिवर्स चार्ज उसमें भी अगर गवर्नमेंट होगा रजिस्टर्ड पर्सन में अगर लेने वाला गवर्नमेंट होगा

पर्सन नहीं दिए जा रहे जैसे डॉक्स नीप सिक्योरिटी दी जा रही है सीसीटीवी सिक्योरिटी इन्वेस्टिगेशन सिक्योरिटी जिसमें पर्सन नहीं है ओके okay, तो फिर वहां रिवर्स चार्ज नहीं है वही सिक्योरिटी सर्विस जिसमें पर्सन दिए जा रहे तो रिवर्स चार्ज सेकंड सप्लायर सप्लायर इज एनी पर्सन अदर अदर देन देन बॉडी बॉडी कॉर्पोरेट कॉर्पोरेट होना चाहिए तो रिवर्स चार्ज अगर सप्लायर सर कंपनी होगी तो रिवर्स चार्ज नहीं फॉरवर्ड चार्ज लगेगा और रजिस्टर्ड पर्सन अंडर जीएसटी होना चाहिए अगर रिसिपियन अनरजिस्टर्ड पर्सन है तो फिर फॉरवर्ड चार्ज ओके यानी सिक्योरिटी सर्विस मैंने किसी घर पे दी अनरजिस्टर्ड को दी तो फॉरवर्ड चार्ज ओके और रिसिपियन गवर्नमेंट होगा जो सिर्फ टीडीएस के लिए रजिस्टर्ड है तो फिर वो केस में फॉरवर्ड चार्ज लगेगा या हमारा रिसिपियंट रजिस्टर्ड है पर कंपोजिशन स्कीम में है तो फिर फॉरवर्ड चार्ज लगेगा चलिए ये हमने देखा ओके okay, यहाँ पे सिक्योरिटी सर्विसेज से रिलेटेड उसके बाद में मैं ये ले, ले लेता हूं कॉपीराइट सर्विसेज़ अब देखो कॉपीराइट सर्विसेज में दो है एक है कॉपीराइट रिलेटिंग टू ओरिजिनल ड्रामेटिक म्यूजिकल वर्क और अगर आपका कॉपीराइट ड्रामेटिक और म्यूजिकल वर्क का होगा ओके सप्लायर म्यूजिक कंपोजर फोटोग्राफर आर्टिस्ट होगा और टू म्यूजिक कंपनी दिया होगा तो रिवर चार्ज में जो म्यूजिक कंपनी या प्रोड्यूसर है उसके ऊपर रिवर चार्ज आएगा तो RCM, all are आपने खुद नहीं लिख देना ऑल कंडीशन आर फुलफिल्ड पहला सर्विस कॉपीराइट सर्विस होनी चाहिए रेटिंग टू ओरिजिनल ओरिजिनल वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है ओरिजिनल ड्रामेटिक आर्टिस्टिक और म्यूजिकल वर्क का कॉपीराइट होना चाहिए सप्लायर म्यूजिक कंपोजर फोटोग्राफर आर्टिस्ट होना चाहिए रिसिपियन म्यूजिक कंपनी और प्रोड्यूसर होना चाहिए और म्यूजिक कंपनी और प्रोड्यूसर टैक्सेबल टेरिटरी में होना चाहिए ये चारों कंडीशन फुलफिल होती तो रिवर्स एक भी फुलफिल नहीं हुआ तो फॉरवर्ड एक भी फुलफिल नहीं हुआ तो फॉरवर्ड और सेकंड कॉपीराइट जो इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है कॉपीराइट रिलेटिंग टू लिटरेरी वर्क दूसरा है कॉपीराइट जिसमें बुक बनाई जाती है लिटरी वर्क है ओरिजिनल लिटरी वर्क है बाय एन ऑथर टू पब्लिशर जैसे मैंने कोई आईडीटी पे बुक लिखा जीएसटी पे बुक लिखा और पब्लिशर को उसके कॉपीराइट्स दिए या चेतन भगत है कोई बुक लिख रहा है पब्लिशर को उसके कॉपीराइट्स दिए अगर किसी ऑथर ने पब्लिशर को कॉपी दिए होंगे तो वो केस में उसका टैक्स पब्लिशर देगा उसका टैक्स यहाँ पे पब्लिशर देगा लेकिन लेकिन ये ये वाले कॉपीराइट पे जो ऑथर टू पब्लिशर है इसमें फॉरवर्ड चार्ज का भी ऑप्शन दिया है फॉरवर्ड चार्ज का ऑप्शन दिया है मतलब क्या मतलब ओके ऑथर हैज टेकन अ रजिस्ट्रेशन एंड डिक्लेरेशन टू द कमिश्नर दैट वो फॉरवर्ड चार्ज में टैक्स देने के लिए रेडी है तो ऐसे केस में रिवर्स चार्ज के बजाय फॉरवर्ड चार्ज लगेगा ऐसे केस में रिवर्स चार्ज की जगह फॉरवर्ड चार्ज लगेगा तो बेटा

सर्विसेज फॉरवर्ड चार्ज में नहीं आएगी बाकी कोई भी सर्विसेज फॉरवर्ड चार्ज में नहीं आएगी समझ में आया क्या मतलब रिवर्स चार्ज ही लगेगा और सप्लायर का आईटीसी जाएगा सप्लायर का आईटीसी जाएगा बस तीन ही सर्विस के ऑप्शन है फॉरवर्ड चार्ज में आने के कॉपीराइट सर्विसेज ये अच्छे से पढ़ के जाना अब रेंटिंग ऑफ रेसिडेंशियल ड्वेलिंग बॉस मैंने ये जो रेंटिंग ऑफ रेसिडेंशियल ड्वेलिंग है मैंने यहां पे Okay, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है एक मिनट हा बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है अमेंडमेंट जरूर देखना इसके ऊपर 110 परसेंट चांसेस है कि क्वेश्चन आएगा लिख के ले लो मैं अभी शॉर्ट में एक्सप्लेन करूंगा लेकिन आप अमेंडमेंट देखो मैंने लगभग यहां पे 35 फाइव मिनट इसके ऊपर डिस्कशन किया है उस प्रॉब्लम के साथ इसलिए अमेंडमेंट जरूर देख के जाना रेंटिंग रेसिडेंशियल ड्वेलिंग और अमेंडमेंट जरूर देखो मैं पहले ही कह रहा हूं ओके देखो पहले एक एग्जाम्शन था और वो एग्जाम्शन ये था कि अगर किसी ने अपना रेसिडेंशियल ड्वेलिंग रेंट पे दिया मतलब रेसिडेंशियल ड्वेलिंग मतलब घर हाउस बंगलो वगैरह जो रहने लायक घर है और वो रेंट पे दिया ओके किसी को भी दिया तो एग्जम था लेकिन अब एग्जाम्शन रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया अब उन्होंने क्लियर लिख दिया कि अगर वो रजिस्टर्ड को दिया होगा तो टैक्स आएगा यानी आपने अपना घर कोई कंपनी को दिया ओके डायरेक्टर के गेस्ट हाउस के लिए एम्प्लॉय क्वार्टर के लिए पर रजिस्टर्ड को दिया होगा तो जीएसटी आएगा हाँ अनरजिस्टर्ड को दिया होगा तो एग्जाम सुनो अनरजिस्टर्ड को दिया तो एग्जाम रजिस्टर्ड को दिया तो टैक्स आएगा और अगर आपने रजिस्टर्ड को दिया तो रिवर्स चार्ज में टैक्स आएगा मतलब उसका टैक्स जो है ओके रिवर्स चार्ज में देगा जैसे जैसे मेरे दो फ्लैट है और मैंने दो फ्लैट कंपनी को दे दिए रेंट पे ड्वेलिंग है रेसिडेंशियल ड्वेलिंग है फ्लैट है और कंपनी को रेंट पे दे दिया गेस्ट हाउस करके तो मैं बिलिंग कंपनी के नाम का कर रहा हूं अगर मैं बिलिंग कंपनी के नाम का कर रहा हूं तो रिवर्स चार्ज में वो रजिस्टर्ड पर्सन टैक्स देगा मैं नहीं दूंगा हाँ अनरजिस्टर्ड को दिया फॉर रेसिडेंस तो एग्जाम है अनरजिस्टर्ड को दिया फॉर रेसिडेंस तो एग्जाम है लेकिन अगर मैंने रजिस्टर्ड को दिया तो रिवर चार्ज में टैक्स आएगा और लास्ट लेंडिंग ओके सॉरी सॉरी लास्ट नहीं ओके ये जो था यहां पे लेंडिंग ऑफ सिक्योरिटीज बाय लेंडर टू बॉर टैक्स okay, तो okay, आएगा बहुत सी बार्योरिटीज लैंडिंग होती है तो सिक्योरिटी तो जो भी प्रीमियम मिलता है सिक्योरिटीज लैंडिंग का तो उसका टैक्स लैंडर पे नहीं बोरोगा ठीक है ये समझ में आया आपके लास्ट में बेटा और दो रिवर चार्ज हम यहाँ पे देख लेते हैं और वो दो रिवर चार्ज जो है यहाँ पे आ, जहां तक है इंपोर्ट ऑफ सर्विस लैंडिंग ऑफ सिक्योरिटी हमारा हो गया इंपोर्ट ऑफ सर्विस अगर आपने सर्विस इंपोर्ट की फ्रॉम अ पर्सन हुई नॉन टैक्सेबल ट्रेट्री बाहर से सर्विस इंपोर्ट की और वो सर्विस इंडिया में इंपोर्ट हुई तो वो केस में रिवर्स चार्ज में रिसिपियन लायबल रहेगा ये तो आपको पता है पर यहाँ लिखा है अदर देन एन मतलब नॉन टैक्सेबल ऑनलाइन रिसिपियन आई रिपीट नॉन टैक्सेबल ऑनलाइन रिसिपियन हाँ ओके ये कॉन्सेप्ट आपको प्लेस ऑफ सप्लाई में आएगी प्लेस ऑफ सप्लाई में अगर रिसिपियन यहां पर इंडिविजुअल है और जो अनरजिस्टर्ड है गवर्नमेंट है अनरजिस्टर्ड है और वो सर्विसेज बिजनेस पर्पस के लिए बाहर वाले से ले रहा है तो रिवर चार्ज में टैक्स नहीं आएगा फॉरवर्ड चार्ज में बाहर वाले ही पे करेगा फॉर एग्जांपल, ओके नेटफ्लिक्स नेटफ्लिक्स कंपनी बाहर की है समझो और वहां से okay, इंडिया का बच्चा इंडिविजुअल नॉट फॉर बिजनेस ओके नेटफ्लिक्स मूवी सब्सक्राइब कर रहा है ओके okay, या गवर्नमेंट कोई सर्विस ले रही है और वो अनरजिस्टर्ड है तो इनको एन टी कहा जाएगा अगर उनको एन टी कहा जाएगा तो ऐसे केस में नेटफ्लिक्स का जो सब्सक्रिप्शन है या कोई गेम का सब्सक्रिप्शन है जो सर्विस प्रोवाइडर बाहर है ओके okay, और लेने वाला इंडिविजुअल अनरजिस्टर्ड है अदर देन फॉर बिजनेस या गवर्नमेंट अदर देन फॉर बिजनेस होगा तो ऐसे सिचुएशन में रिवर चार्ज में वो इंडिविजुअल या फिर ओके गवर्नमेंट पे नहीं करेगी ये केस में फॉरवर्ड चार्ज में सप्लायर पे आएगा अगर वो ओ आई डी ए आर सर्विस होगी डिटेल डिस्कशन प्लेस ऑफ सप्लाई में देखेंगे और नेक्स्ट बेटा ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वेसल अब ध्यान सुनना ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स बाय वेसल फ्रॉम अ प्लेस आउटसाइड इंडिया टू कस्टम स्टेशन इन इंडिया यानी कोई फॉरिन शिपिंग कंपनी आपको ट्रांसपोर्टेशन सर्विस दे रही है और बाय वेसल से दे रही होगी

तो वहाँ पे भी भी लगता है, है okay, ओके तो कस्टम में ऐड होता है और आपको अलग से रिवर चार्ज में जीएसटी भी देना पड़ता है यानी ये डबल टैक्सेशन क्रिएट करता है पर है बेटा ऐसा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है ठीक है मैंने रेगुलर सेशन में आपको बहुत अच्छे से मैंने ये आपको पढ़ाए थे तो चलिए बेटा ये था रिगार्डिंग टू ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स बाय वेसल फ्रॉम प्लेस आउटसाइड इंडिया टू कस्टम स्टेशन इंडिया तो उसके ऊपर रिवर चार्ज में आईजीएसटी देना पड़ेगा प्लस ये फ्रेट आपके सीआईएफ में भी ऐड होते हैं पर ये सिर्फ वेसल को अप्लीकेबल है अगर बाय एयर होगा सुनिए बाय एयर होगा तो वो एग्जम्प्ट है उसके ऊपर जीएसटी के अलग से नहीं आता है हा वो कस्टम के सीआईएफ में ऐड होता है वो बात अलग है पर जीएसटी अलग से नहीं आएगा एयर होगा तो वेसल होगा तो आपको यहां पे जीएसटी आएगा तो चलिए ये हमने देखा इस तरह से यहां पे बेटा ओके हमारा रिवर्स चार्ज कंप्लीट हुआ आई रिपीट यहां पे हमारा रिवर्स चार्ज कंप्लीट हुआ ओके okay, मैं आपको बस इतना कहना चाहूंगा कि यहां सेशन देखो ओके okay, क्वेश्चनअर्स uh, भी साथ साथ में देखो बेटा क्वेश्चनअर्स अगर आप साथ साथ में देख लिए तो आपको बहुत हेल्पफुल होगा अब आपका एक सवाल होगा कि सर क्वेश्चन में आपके क्वेश्चन में जो है ओके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगर आप इंडेक्स देखोगे तो उसमें ही आपको मिल जाएंगे जो आर के क्वेश्चन है लास्ट दो तीन एग्जाम के जो एग्जामिनेशन क्वेश्चन है एटलीस्ट उसके उसके ऊपर फोकस करो वही

जरूर इसको लाइक करना आपकी कमेंट आपका लाइक अगर आपको अच्छा लगा होगा तो दूसरों को भी बेनिफिट दिलवा सकती है ठीक है दोस्तों तो चलिए यहां पे नेक्स्ट सेशन में हम देखेंगे कंपोजिशन लेवी थैंक यू चलिए तो अभी जैसे मैंने कहा कि कुछ क्वेश्चंस जो है मैं यहां पे कवर करूंगा तो ये जो क्वेश्चंस है हर चैप्टर के कुछ कॉम्प्रेंसिव क्वेश्चन मैंने बनाए हैं तो वो क्वेश्चन भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे फटाफट और मैं बस आपको इतना कहना चाहूंगा कि ये क्वेश्चंस तो ठीक है कॉम्प्रेंसिव क्वेश्चंस जिसमें मैंने मैक्सिमम एडजस्टमेंट्स कवर करने की कोशिश की है लेकिन साथ साथ में ओके okay, आप जो है क्वेश्चनर्स भी करोगे तो आपका अच्छा खासा प्रैक्टिस इसके ऊपर हो जाएगा चलिए क्वेश्चन देखिए मिस्टर वीर लिमिटेड बीइंग अ गारमेंट मैन्युफैक्चरर इज लोकेटेड इन मुंबई हैज अपॉइंटेड मिस्टर रुद्रा टू प्रोक्योर गारमेंट्स बेस्ड ऑन स्पेसिफिकेशन गिवन बाय हिम ठीक है वीर लिमिटेड ने ओके रुद्रा लिमिटेड को ओके okay, अपॉइंट किया टू द गारमेंट्स स्पेसिफिकेशन गिवन बाय हिम एज द सेम द एरिया बाईजिफाइड गारमेंट ऑन द बिहा ऑन इज बिहास वाइजेट लिमिटेड ठीक है रुद्रा लिमिटेड ने जो थर्ड पार्टी एक्सवाइजेड से बाय किया एंड फॉर दिस एक्टिविटी इन द नेम ऑफ़ प्रिंसिपल प्रिंसिपल के नाम का है और इसमें बहुत सारे क्वेश्चन मैंने कवर किए पहला नेजेंट मिस्टर रुद्रा ठीक है सबसे पहले तो उनका सवाल यह है कि आ, क्या ये सप्लाई बोला जाएगा चलिए अगर मैं टैक्स पढ़ता हूं तो टैक्स के हिसाब से यह लग रहा है कि ये जो है प्रिंसिपल और एजेंट आपको याद होगा तो प्रिंसिपल और एजेंट ये पे कवर होता है ओके यहाँ पे जहां तक वीर वीर लिमिटेड वीर लिमिटेड ये जो है प्रिंसिपल है प्रिंसिपल और ओके यहाँ पे वीर लिमिटेड ने एजेंट को अपॉइंट किया टू प्रोक्योर द गुड्स यानी रुद्रा को अपॉइंट किया ओके फॉर प्रोक्योरमेंट वीर लिमिटेड ने रुद्रा को अपॉइंट किया फॉर प्रोक्योरमेंट तो प्रोक्योरमेंट पे तो मतलब ये बाइंग एजेंट हमने क्या पढ़ा था हमने जब भी प्रिंसिपल और एजेंट का रिलेशनशिप आएगा तो बताओ क्या पढ़ा था आपको याद होगा तो शेड्यूल वन आप अगर मेरे साथ पढ़ रहे हो तो जरूर याद आ जाएगा आपको शेड्यूल वन शेड्यूल वन में पैरा थ्री पैरा थ्री क्या कहता था ओके एजेंट जो है अगर प्रिंसिपल टू एजेंट में प्रिंसिपल टू एजेंट में एजेंट सेलिंग एजेंट हो या बाइंग एजेंट हो ओके okay. सेलिंग या बाइक कोई भी एजेंट हो इंपॉर्टेंट क्या था इंपॉर्टेंट ये था कि वो एजेंट इनवाइस किसके नाम का बना रहा है अगर एजेंट इनवाइस प्रिंसिपल के नाम का बना रहा है तो वो ट्रांजेक्शन बिटवीन प्रिंसिपल टू एजेंट सप्लाई नहीं बोला जाएगा ओके okay, प्रिंसिपल टू या एजेंट लेकिन अब सवाल क्या पूछा वुड यू आंसर डिफर इफ इनवॉइस इश्यूड इन द नेम ऑफ एजेंट मिस्टर रुद्रा हाँ लेकिन अगर इनवाइस रुद्रा के नाम का है देन ट्रांजेक्शन बिटवीन रुद्रा एंड वीर वुड बी ट्रीटेड एज सप्लाय तो इसका आंसर देखो हमने क्या लिखा सेक्शन सी ओके और ये कहता है कि अगर बाय एन एजेंट टू प्रिंसिपल क्योंकि ये बाइंग एजेंट है तो ट्रीटेड एस अपलाय सीबीआईसी क्लैरिफिकेशन क्या कहता है सीबीआईसी क्लैरिफिकेशन कहता है कि अगर एजेंट के नाम का इन्वॉइस होगा तो पैरा थ्री अप्लाई होगा डिस्कशन ये है कि इन गिवन केस ओके फॉर प्रोक्यूरमेंट के लिए अप्लाई किया इन इन द नेम ऑफ वीर लिमिटेड है ओके okay, तो ये जो है नॉट इन्वॉल्व हिमसेल्फ इन द सप्लाई ऑफ रिसिप्ट ऑफ गुड्स रुद्रा इज नॉट एन एजेंट ऑफ वीर लिमिटेड मतलब क्या या इसका मतलब ये हुआ कि रुद्रा इज नॉट एजेंट ऑफ वीर लिमिटेड का मतलब ये हुआ कि पैरा थ्री का एजेंट नहीं बोला जाएगा ओके okay, और यहाँ पैरा थ्री शेड्यूल टू पैरा थ्री शेड्यूल वन का एजेंट नहीं बोला जाएगा और वहां पैरा थ्री अप्लाई नहीं होगा ओके, सो नॉट ट्रीटेड सप्लाई अंडर पैरा थ्री लेकिन अगर अपने नाम का इनवाइस लेता है समझ में आया होगा तो जो भी स्टूडेंट कनेक्टेड है कीजिएगा। okay, मेरे साथ जितना ज्यादा हो सके आप इन्वॉल्व रहिएगा दूसरा मिस्टर वील लिमिटेड ट्रांसफर वन थाउजेंड शर्ट फ्रॉम इज फैक्ट्री लोकेटेड इन मुंबई टू इज रिटेल शोरूम इन दिल्ली सो दैट सेम कैन बी सोल्ड फ्रॉम देयर ओके okay, ओके अपने 1000 शर्ट्स मुंबई टू उसके ही रिटेल रिटेल शोरूम शोरूम दिल्ली दिल्ली में ट्रांसफर ट्रांसफर किए मतलब स्टॉक किया okay, और वो जो से वो जो से सेल करेगा यहाँ पे फैक्ट्री लिमिटेड रजिस्टर्ड इन दे स्टेट वेयर लोकेटेड दोनों भी रजिस्टर्ड प्लेस है।, no charged, uh, supply, अब देखो, ये है और दोनों अलग अलग स्टेट में है। दोनों अलग-अलग स्टेट में है मतलब डिस्टिंग पर्सन है अगर ये डिस्टिंग पर्सन है तो ये सिचुएशन में देखो सेक्शन 7 अगेन सेक्शन 71 सी पैरा टू यहाँ पे लगेगा और इसके हिसाब से अगर ओके डिस्टिंग पर्सन में सप्लाई होता है इन द कोर्स ऑफ बिजनेस ओके तो विदाउट कंसीडरेशन होगा तो भी वो सप्लाई माना जाएगा और सेक्शन 254 के हिसाब से डिस्टिंग पर्सन कब बोला जाएगा ओके okay, अगर आपकी ज्यादा रजिस्ट्रेशन तो, okay, और वन मतलब और मोर स्टेट में है, तो फॉर इच सच रजिस्ट्रेशन ओके इट इजेड एज डिस्टिंग पर्सन हर एक रजिस्ट्रेशन के लिए वो डिस्टिंग पर्सन माना जाएगा तो ऐसे केस में ओके okay, ये डिस्टिंग एस्टेब्लिशमेंट uh, है डिस्टिंग पर्सन है ओके okay. तो अल्दो नो कंसिडरेशन इज चार्ज लेकिन जो स्टॉक ट्रांसफर हुआ इट इज ट्रीटेड एज सप्लाई एज पर पैरा टू वो सप्लाई बोला जाएगा तो इस तरह से आपको प्रेजेंट करना है चलो ये भी पॉइंट हो गया चलो पहला हो गया अगर दूसरा समझ में आया होगा तो दूसरा भी आप लिखिएगा टू मेरे साथ लिखते जाइएगा नाउ थर्ड ओके okay, थर्ड देखो क्या है ऑन द ऑकेजन ऑफ दिवाली मेसर्स वीर लिमिटेड डिस्ट्रीब्यूट गिफ्ट हैम्पर टू इट्स एम्प्लॉय उसने गिफ्ट दिया और अपने एम्प्लॉय को दिया एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को गिफ्ट दिया वर्थ रुपीज थ्री लैक्स दैट इज द सप्लाई वुड अल एंसर बी डिफरेंट इफ गिफ्ट अमाउंट इज फोर्टी टू थाउजेंड अब थोड़ा यहां से सुनना अगर तीन लाख का गिफ्ट है ओके okay, तो सबसे पहले क्या एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय रिलेशनशिप है दे आर रिलेटेड पर्सन यस एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेटेड पर्सन माने जाएंगे फिर हमारा पैरा टू क्या कहता है ओके okay, एनी एनी गुड सप्लाई टू कंसिडरेशन इज है ओके okay, क्या प्रोविजो है okay, प्रोविजो है देखो सेक्शन सेवन सी के हिसाब से अगर रिलेटेड पर्सन को दिया तो सप्लाई माना जाएगा ओके पैरा टू दैट लेकिन प्रोविजो कहती है कि अगर गिफ्ट दिया और वो गिफ्ट पचास हजार तक एम्प्लॉय को दिया तो वो केस में सप्लाई नहीं बोला जाएगा फिफ्टी थाउजेंड इन अ फाइनेंशियल ईयर और सेक्शन फिफ्टीन एक्सप्लेनेशन के हिसाब से एम्प्लॉय और एम्प्लॉय रिलेटेड पर्सन है ये तो मेरी लीगल प्रोविजन है इस पर से मैं डिस्कशन क्या करूंगा डिस्कशन ये करूंगा कि गिफ्ट जो है अगर तीन लाख का है तीन लाख का है मतलब वैल्यू पचास के ऊपर है क्वालिफाई एज अ सप्लायर ओके okay, वो पूरा सप्लाई माना जाएगा क्योंकि पचास हजार के ऊपर है पर वही गिफ्ट की वैल्यू अगर फोर्टी टू थाउजेंड है तो वो फिफ्टी थाउजेंड से नीचे है सप्लाई चलिए ये वाला पॉइंट हो गया फटाफट बोलो ये समझा होगा तो यहाँ पे थ्री जो है टाइप करो फटाफट थ्री टाइप करो ना उसके बाद में फोर्थ फर्दर मेसर्स डिसाइडेड टू प्रोवाइड फॉर फॉलोइंग रिलेटिंग टू इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सर्विसेज ट द वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सर्विस एंड जीएसटी लाइबिलिटी रेट ऑफ जीएसटी नाइन परसेंट एंड नाइन परसेंट इच ओके भाई यहाँ पे वीर लिमिटेड ने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सर्विसेज देने का वादा किया ओके okay, और नीचे दो आपको इन्फॉर्मेशन दिए इसके ऊपर उसका जीएसटी जो है वो निकाल के बताओ डेवलपमेंट एंड डिजाइन ऑफ इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सॉफ्टवेयर कितना है पंद्रह लाख और दूसरा सेल ऑफ प्री पैक सॉफ्टवेयर मैंने क्या बताया था मैंने आपको ये बताया था कि यहाँ पे ओके डेवलपमेंट ये सप्लाई ऑफ सर्विस है एज पर शेड्यूल टू पैरा okay, फाइव और सॉफ्टवेयर होगा तो ये सप्लाई गुड्स है चलो यहां पे दोनों का रेट सेम है दैट इज 18 परसेंट तो कोई प्रॉब्लम नहीं लेकिन इसका क्लासिफिकेशन शेड्यूल पैरा के हिसाब से सप्लाई सर्विस और सप्लाई गुड्स होगा ओके तो नाउ यहाँ पे पॉइंट नंबर फोर का आंसर देखिएगा पॉइंट नंबर फोर क्या कहता है ओके okay, uh, uh, okay, यहाँ पे अगर डेवलपमेंट डिजाइनिंग होगी ओके ट्रीटेड एज अ सप्लाई हाँ, तो पहल, अगर पहली बात है डेवलपमेंट एंड डिजाइनिंग वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई ऑफ सर्विस डेवलपमेंट एंड डिजाइनिंग ओके तो वो सर्विस बोली जाएगी और उसके ऊपर एज अ सर्विस आएगा पहले के केस में दूसरा वाला जो है वो सप्लाई ऑफ गुड्स बोला जाएगा और एज अ सप्लाई ऑफ गुड्स उसके ऊपर जीएसटी निकाला जाएगा चलिए ये तो हमने देख लिया उसके बाद में नेक्स्ट ओके okay, अगर फोर समझाओगेगा तो फोर टाइप कीजिएगा फटाफट मेरे साथ एक्टिव रहिएगा उसके बाद में अलॉन्ग मिस्टर वीर ऑल्सो प्रोवाइड बस सर्विस ओहो बस मिलकूपन टेलीफोन गिव्स व्हीकल फॉर ऑफिशियल एंड पर्सनल यूज यूनिफॉर्म एंड शूज टू इट्स एम्प्लॉय ओके भाई अपने एम्प्लॉय को वो बहुत सारा सर्विसेज दे रहा है जैसे बस है कूपन है टेलीफोन सर्विस है ओके टेलीफोन अपने एम्प्लॉय को दे रहा है ओके ऑफिशियल पर्सनल यूज़ के लिए यूनिफॉर्म दे रहा है शूज़ दे रहा है बच्चों के हिसाब से ओके एक्सप्लेन द इम्प्लिकेशन ऑफ जीएसटी अंडर दिस केस इफ दिस परक्विजिट्स आर प्रोवाइडेड एज पर द कॉन्ट्रैक्ट इंटर बिटवीन एम्प्लॉय टू एम्प्लॉय एंड परक्विजिट्स आर नॉट प्रोवाइडेड आर प्रोवाइडेड विलिंगली बायॉयर फॉर बेटर परफॉर्मेंस विदाउट एन एग्रीमेंट अब आपको याद होगा तो हमने शेड्यूल थ्री देखा था शेड्यूल थ्री साथ, साथ में हमने शेड्यूल okay, वन का पैरा टू भी देखा था हमने क्या देखा था हमने ये देखा था कि अगर एम्प्लॉयर कोई भी गिफ्ट देता है खुद होके जो एग्रीमेंट का पार्ट नहीं है और खुद होकर वो कोई गिफ्ट देता है तो वो सिचुएशन में अगर वैल्यू पचास हजार के ऊपर होगी तो वो सप्लाय बोला जाएगा लेकिन हमने शेड्यूल थ्री पैरा में क्या देखा था शेड्यूल थ्री पैरा में हमने ये देखा था कि अगर कोई एम्प्लॉय

टू ऑफ शेड्यूल वन ये कहता है कि गिफ्ट की वैल्यू अगर पचास हजार के ऊपर होगी तो वो सप्लाई बोला जाएगा ओके स्पेशली इन केस ऑफ एम्प्लॉय तो अब दो चीजें ओके okay, अगर परक्विजिट एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को दिया और एज पर कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन देयर फॉर एम्प्लॉयमेंट तो वो पैरा वन शेड्यूल थ्री में आएगा और उसके ऊपर जीएसटी नहीं आएगा लेकिन अगर परक्विजिट जो है एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को दिया और नॉट एज रिलेशन टू एम्प्लॉयमेंट तो अगर वैल्यू पचास हजार से ज्यादा होगी इन अ इनऑफनेशियल ईयर तो वो सप्लाई बोला जाएगा चलो समझा होगा फाइव तो फटाफट फाइव टाइप कीजिएगा ओके okay, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि सारी अच्छी अच्छी एडजस्टमेंट्स अच्छे अच्छे क्वेश्चन ओके okay, मैं uh, कवर करने की कोशिश करूं देखो बेटा ओके मैं हर चैप्टर के दो तीन क्वेश्चंस लूंगा कॉम्प्रेंसिव क्वेश्चंस दूंगा और अलग अलग यहाँ पे एडजस्टमेंट कवर करने की कोशिश करूंगा ठीक है

फ्रॉम हिज बिजनेस स्टॉक ऑन विच आई टी सी टेकन टू हिस्स फ्रेंड फ्री ऑफ कॉस्ट परमानेंटली बिजनेस असेट है और बाद में वो स्टॉक है जिसके ऊपर आई टीसी है वो टोटली totally फ्री दे दिया है फ्री ऑफ कॉस्ट दे दिया है तो अगर आई टी सी लिया हुआ है बिजनेस असेट पर तो क्या जीएसटी तो ये बेटा शेड्यूल वन के हिसाब से परमानेंट ट्रांसफर और बिजनेस असेट ऑन विच आई टी सीजन तो सप्लाई बोला जाएगा तो देखा ओके okay, ये आंसर दिया है

she has donated rupees 3 lakhs to seva charitable trust in the ceremony of her late father seva charitable Tr uh, trust had written on the door of the room constructed in the school run by its from the money donated by Sheetal limited donated by fashion variety pune अब देखो हमने एक कॉन्सेप्ट देखा था सप्लाई फॉर कंसिडरेशन सुनिए हमने था, मतलब क्या? होना पर नहीं है, या है पर नहीं है, नहीं है, तो फिर उस पे ऊपर जीएसटी नहीं आएगा इसके ऊपर क्लैरिफिकेशन था कि अगर आपने कोई चैरिटेबल ट्रस्ट को डोनेट किया और उस पर सिर्फ एज एक्ट ऑफ फिलोनथ्रॉफी आई रिपीट एज एक्ट ऑफ फिलोनथ्रॉफी या फिर ओके <coughs> okay, Act of Philanthropy. या फिर एज अ ग्रेटिट्यूड सिर्फ नाम यूज किया जा रहा है और वहां एडवर्टाइजमेंट का कोई भी स्पेसिफिक नहीं है तो वो सिचुएशन में वो सप्लाई नहीं नहीं बोला जाएगा इवन दो डोनेशन मिला है है पर उसके अगेंस्ट में ऑब्लिगेशन uh, कुछ नहीं है। लेकिन अगर आप केयरफुली पढ़ते हो तो ये सिचुएशन में बताओ यहाँ पे शीतल का नाम लिखा है एज एक्ट ऑफ फिलोथ्रोपी या फर्म का नाम लिखा है अगर आप केयरफुली देखते हो तो यहां पे फर्म का नाम लिखा है अगर फर्म का नाम लिखा है मतलब कहीं तो भी एडवर्टाइजमेंट किया जा रहा है और

रेट फोर्टीन परसेंट ट्वेल्वेंट फाइव परसेंट रिस्पेटिवलीफ्ट दिया गिफ्ट okay, दिया वैल्यू डॉट पचास हजार है एम्प्लॉय okay, को दिया और वो एम्प्लॉय की वैल्यू जो है डॉट पचास हजार है हमने क्या पढ़ा था हमने यह पढ़ा था कि अगर एम्प्लॉय को दिया और डॉट पचास हजार तक वैल्यू है तो वो सप्लाई नहीं बोला जाएगा तो ऐसे केस में वॉट एवर इज द रेट पर वो सप्लाई नहीं बोला जाएगा लेकिन अगर यह सत्तर हजार होता है इंस्टेड ऑफ फिफ्टी थाउजेंड अगर ये सत्तर हजार होता और पर ये जो सत्तर हजार किट जो है ओके okay, किट तो अलग अलग गुड्स की होगी तो फिर वो मिक्स सप्लाई हुआ और मिक्स सप्लाई में कौन सा रेट लगता हाईएस्ट रेट लगता हाईएस्ट रेट लगता तो ट्वेंटी एट परसेंट लगता और जीएसटी ट्वेंटी एट परसेंट पे पे करना पड़ता ओके इवन दो विदाउट कंसिडरेशन लेकिन एम्प्लॉय रिलेटेड पर्सन है तो सप्लाई बोल दिया जाएगा और सप्लाई बोल दिया जाएगा तो उसमें कॉम्बिनेशन था तो हाईस्ट रेट से जीएसटी आता लेकिन ये पचास हजार इसलिए जीएसटी नहीं आएगा उसके बाद में सप्लाई ऑफ हेयर ड्रायर अलॉन्ग विथ चार्जर टू अ कस्टमर ऑफ सूरत थाउजेंड तो अगर हेयर ड्रायर दिया अलॉन्ग विध चार्जर यह कंपोजिट सप्लाई है और यह कंपोजिट सप्लाई है तो यहाँ पे किसका रेट लग जाएगा हेयर ड्रायर का रेट लग जाएगा और अस्सी हजार पे जीएसटी आएगा नाव नेक्स्ट शी इज प्लानिंग टू इन्वेस्ट इन स्टॉक तो देखो पहला ट्रांजेक्शन क्या तीन लाख पे जीएसटी है येस yes, बॉस तीन लाख पे जीएसटी है ओके okay, तीन लाख पे जीएसटी लगेगा दूसरा ये जो है ओके okay, ये ट्रस्ट कहाँ है वो भी महाराष्ट्र में ही है ट्रस्ट भी महाराष्ट्र में है ओके तो अगर ये ट्रस्ट महाराष्ट्र में है, तो ये इंट्रास्ट रेट सप्लाई हुआ और ये इंट्रेस्ट रेट सप्लाई होगा तो इसके ऊपर सीजीएसटी और एसजीएसटी लगेगा दूसरा ट्रांजेक्शन दूसरा ट्रांजेक्शन सप्लाई नहीं माना जाएगा क्योंकि वो पचास हजार तक है जिसका रीजन हम देखे तो वो पचास हजार तक है तो दूसरे ट्रांजेक्शन सप्लाई दिया है क्या नहीं ना फिफ्टी यूनिट्स ऑफ दिवाली की बॉक्स फिफ्टी थाउजेंड ऑफ रुकी फिफ्टी थाउजेंड ई को दिया गया ओके okay, तो मेरे से गलती होगी सॉरी मेरे से गलती होगी आप करेक्शन कर लो और करेक्टेड होगा तो अच्छी बात है ये सप्लाई नहीं आएगा और अकॉर्डिंगली टोटल बदल जाएगी ये सप्लाई नहीं होगा क्योंकि टू का आंसर क्या है, यह है वो मिक्स सप्लाई लेकिन एम्प्लॉय को गिफ्ट दिया अच्छा ये टू कश नोट भी आप चेंज कर दो चेंज कर देना नोट ओके यहाँ लिख देना गिफ्ट टू एम्प्लॉय गिफ्ट टू एम्प्लॉय अप टू रुपीज फिफ्टी थाउजेंड नॉट ट्रीटेड एज अप्लाय सप्लाई ये करेक्टेड होगा तो ठीक है नहीं तो आप करेक्ट कर लेना बेटा ओके okay. ये हो गया हेयर ड्रायर हेयर ड्रायर ओके सूरत में सप्लाई किया इसलिए इंटरस्टेट सप्लाई है और नीचे रेट दिए हैं हमें आई जी एस टी की एटीन सी जी एस टी नाइन नाइन ओके तो आई जी एस टी मैंने एटीन परसेंट पे उसके ऊपर लगाया देखिएगा एटी थाउजेंड टू एटीन परसेंट तो आई जी एस टी उसके चलो ठीक so, है ये थर्ड समझ में आया फोर्थ अब देखो फोर्थ वाला शी इज प्लानिंग टू इन्वेस्ट इन स्टॉक शी हैज ओपन अ ट्रेडिंग अकाउंट विद ओके वैद्य ब्रोकर ड्यूरिंग अ मंथ शीतल अंडरटूक फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट विदाउट फिजिकल डिलीवरी ऑप्शन बट कैश सेटल ऑन एक्सपायरी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट डेट अमाउंटिंग टू फाइव लैक्स ये सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन है और सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन गुड्स और सर्विसेज में नहीं आता है अगर सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन गुड्स और सर्विसेज में नहीं आता है तो इसके ऊपर जीएसटी नहीं आएगा अगर आप फोर्थ देखते हो तो इन्वेस्टमेंट इन स्टॉक सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन है इसकी नोट्स बड़ी इंपॉर्टेंट है ओके okay, देखो कोई जीएसटी नहीं आया और नोट्स बड़ी इंपॉर्टेंट है फोर्थ की नोट क्या है डेफिनेशन टर्म गुड्स एंड सर्विस एक्सक्लूड सिक्योरिटीज इसमें से सिक्योरिटीज एक्सक्लूड होगी ओके okay, इसके लिए

और वो अपने एजुकेशनल पर्पस के लिए यूज़ की पर्सनल पर्पस के लिए यूज की तो क्या ये सप्लाई है हाँ ये सप्लाई है लेकिन पर्सनल uh, पर्पस के लिए यूज किया क्योंकि इंपोर्ट ऑफ सर्विस फॉर कंसिडरेशन कंसिडरेशन भी है इंपोर्ट ऑफ सर्विस है फॉर कंसिडरेशन है ओके okay, तो ये सप्लाई तो है वेदर और नॉट फॉर बिजनेस लेकिन इसने पर्सनल पर्पज के लिए यूज किया तो उसको एक्जमशन है तो ऐसे केस में ओके यार टू लैख फिफ्टी थाउजेंड ओके मैंने जीएसटी नहीं लगाया क्यों जीएसटी नहीं लगाया क्योंकि वो एक्जमट है इसलिए फिफ्थ नंबर का डेफिनेशन देखते हो सप्लाई इनकुट्स इंक्लूड्स

ओके okay, और वो यूके में रहने वाली है और विदाउट विदाउटरेशन उसने सर्विस लिया बी केयरफुल इन दिस एरिया बी केयरफुल देखो अगर ओके okay, ओके पहली बात तो इंपोर्ट इंपोर्ट ऑफ ऑफ सर्विस सर्विस बोला कि आपके सामने दो चीजें याद आनी चाहिए पहला सेवन वन बी आप किसी से भी इंपोर्ट करो फॉर कंसिडरेशन आई रिपीट किसी से भी इंपोर्ट करो फॉर कंसिडरेशन तो वो केस में यहां पे जीएसटी आएगा ओके वो केस में यहाँ पे जीएसटी आएगा. Okay, आएगा तो ऐसे केस में अगर ओके okay, सॉरी बेटा हा किसी से भी इंपोर्ट करो फॉर कंसिडरेशन तो उसके ऊपर जीएसटी आएगा आ, लेकिन पैरा फोर ऑफ शेड्यूल वन क्या कहता है अगर आपने सर्विस इंपोर्ट की और आपने जो सर्विस इंपोर्ट की यहां पे विदाउट कंसिडरेशन रिलेटेड पर्सन से या ओन एस्टेब्लिशमेंट से और वो फॉर बिजनेस के लिए इंपोर्ट किया तो वो सिचुएशन में वो सप्लाई माना जाएगा और उसके ऊपर जीएसटी आएगा चलिए तो नो no डाउट ये सप्लाई है और इसके ऊपर जीएसटी आएगा और रिवर्स चार्ज में जीएसटी पे किया जाएगा रिवर चार्ज में जीएसटी पे किया जाएगा तो नो डाउट भीबल होगा अगर सिस्टर है और वो डिपेंडेंट होगा तो रिलेटेड पर्सन में आएगा फैमिली तो उसके पर आएगा तो सिक्स नंबर के लिए यहाँ पे नाइनटी नाइन थाउजेंड मैंने लिखा है और ऊपर ओके okay, यहाँ पे आप लिख देना सिर्फ आप मैं कह रहा हूं इसलिए लिख देना ओपन मार्केट वैल्यू नाइन थाउजेंड ओके okay, वहाँ प्रिंट नहीं हुआ प्रिंट हुआ होगा तो ठीक है अगर वो प्रिंट नहीं हुआ होगा तो आप लिख दो ओपन मार्केट वैल्यू 99,000 नाइन थाउजेंड और 99 वो इस 99,000 नाइन थाउजेंड पे जस्ट मिनट रियल सिस्टर हु इज ओनली डिपेंडेंट ऑन हर 99000 पे आईजीएसटी आएगा कुछ तो गड़बड़ है बेटा हाँ तो 99000 पे आईजीएसटी इनटू 18% प्रिंट टाइपोलॉजिकल मिस्टेक होगी करेक्ट कर लेगा या 17820 आएगा लिख लो ओके 17820 आएगा और नीचे नोट में लिख देना इट इज टैक्सेबल इट इज टैक्सेबल अंडर रिवर्स चार्ज अंडर आरसीएम वो टैक्सेबल होगा और टैक्सेबल अंडर आर ठीक है छह समझ में आया थोड़ा करेक्शन कर लो बेटा वहां में आया आपके चलो उसके बाद में यहाँ पे करेक्टेड होगा तो ओके अदरवाइज करेक्शन कर लेना उसके बाद में शी हेज ऑल्सो प्रोवाइडेड फ्री मेकअप किट टू हर फ्रेंड फॉर मैरिज फंक्शन कॉस्ट ऑफ प्रोवाइडिंग ऑन द सेम तो फिर वो सप्लाई नहीं है अगर उसके फ्री मेकअप किट होगी और वो उसने क्रेडिट नहीं लिया है आईटीसी नहीं लिया है और फ्री दिया है तो इट्स नॉट अ सप्लाई तो देखो यहाँ पे ओके पर सप्लाई नहीं है जीएसटी नहीं आएगा ओके okay, तो ऐसे केस में ओके okay, जीएसटी नहीं आएगा और यहाँ पे ओके गुड्स और सर्विस गिवन टू अनरिलेटेड पर्सन विदाउट कैन नॉट एज के सप्लाई ओके और उसका आईटीसी भी आपने नहीं लिया है चलो लास्ट ओके एंड इंसेंटिव मिस एंड इंसेंटिव में शीतल पे एन अमाउंट ऑफ सेवेंटी फाइव थाउजेंड टू हर एम्प्लॉय अपन अचीविंग स्पेसिफाइड सेल्फ टारगेट इंसेंटिव इज अ पार्ट ऑफ सैलरी ऑफ द एम्प्लॉय एंडल टैक्स इज डिटेड एट सोर्स एज पर रिलेवेंट इनकम टैक्स प्रोविजन ये पार्ट ऑफ सैरी है अगर ये पार्ट ऑफ सैरी है तो इट नॉट रेटेड एड सप्लाई इस पर भी जीएसटी नहीं आएगा जीएसटी नहीं आएगा तो चलो टोटल करेक्ट कर लेना करेक्टेड होगी तो कोई प्रॉब्लम नहीं अदरवाइज करेक्ट कर लेना तो फोर्टीन थाउजेंड फोर हंड्रेड प्लस ओके सेवेंटीन एट ट्वेंटी 820 एट ट्वेंटी तो कितना हुआ ओके okay, ये थर्टी टू टू ट्वेंटी हुआ और ये थर्टी टू टू ट्वेंटी यहां पे और ये ट्वेंटी सेवन थाउजेंड ट्वेंटी सेवन थाउजेंड यहां पे होता है ओके okay, यहां पे तो इससे सप्लाई बोला जाएगा समझ में आया बेटा आपको सारे क्वेश्चन यस और नो समझ में आए कि नहीं आए सारे क्वेश्चन वेरी गुड